बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। रब इशरली सदरी वसरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। आज इंशाअल्लाह जाता 14वीं सहरी होगी और 14वां पारा जो है, वी आर कमिंग टू द हाफ ऑफ कुरान माशाअल्लाह ताला। इस पारे में दो सूरतें जो हैं वो डिस्कस हुई हैं, सूरह अल-हजर और सूरह नखल। ये दोनों अहम भी हैं और समझने वाली, जिसे कहना चाहिए ना कि ये वाकयात से ज़्यादा विजडम की तरफ लेकर जाती हैं, शऊर की तरफ, अकल की तरफ, दलाइल की तरफ लेकर जाती हैं। अल-हजर जो है ये एक वादी का नाम है और ये वो वादी है जो कि शाम और मदीना के दरमियान में है। आपको याद होगा बुखारी शरीफ में हमने एक दफ़ा इसका जिक्र भी किया था, सहाब जब जा रहे थे तो आपने इस वादी से सहाब को जल्दी से गुजरने का कहा था। अब ये बहस नहीं है यहाँ पे कि कुछ जगह जो हैं वो बरकत वाली और कुछ जगह जो हैं वो नहस होती हैं जहाँ पे अल्लाह का अजाब पड़ रहा होता है। इसमें मजामीन के तौर पे कयामत के दिन का जिक्र किया है, जिसमें कफ़ार जो है वो कयामत वाले दिन कहेंगे कि काश हमने कलमा पढ़ लिया होता, काश हमने ये कर लिया होता, काश हमने ये बहस ना की होती, काश ये होता। लेकिन उस वक्त वजह माफ़ी की और तौबा की ख़त्म हो चुकी होगी, इसलिए कोई वापसी का रास्ता नहीं होगा। कुरान ने अपनी हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया है और इस मामले में कुरान के मुजज़ात के जो दलाइल हैं अल्लाह ने वो भी मज़मून बना कर दिए हैं। और वो दलाइल यकीन कीजिए कि इंसान हैरान हो जाता है कि दलाइल में अल्लाह ताला ने वो कॉस्मोलॉजी, वो एंथ्रोपोलॉजी, वो बायोलॉजी डिस्कस की है कि किसी सूरत ये नहीं हो सकता कि अगर ये मौजज़ा ना हो और अल्लाह ना हो तो अल्लाह के अलावा कोई आज से 1400-1500 साल पहले ये किस तरह से बात कर सकता है। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र है, आपका सजदा, फिर हसद के अंदर जो कि सारा शयातीन में, शैतान में और फरिश्तों में जो आर्गुमेंट है। लेकिन अल्लाह ने यह एक बड़ी अच्छी बात कह दी और हौसला दे दिया ईमान वालों को कि मेरी रहमत जो है वो मेरे गज़ब पर गालिब है, और यही एक हदीस कुदसी भी अल्लाह ताला ने की। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, फरिश्ता आया। अब 120 साल की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र है, दुआ कर रहे हैं अल्लाह से कि अल्लाह मुझे तो साहिब औलाद कर दे। तकरीबन 95 साल की उनकी बीवी है, दोनों बांझ है, लेकिन दुआ कर रहे हैं। जब दुआ आ गई है तो उनको फिर ओके, अब कैसे होगा भाई? अब दुआ करने से पहले सोचते हैं अल्लाह तो कर सकता है सारा कुछ, जो भी कर सकता है अल्लाह करता है। फिर अल्लाह ने उनको साहिब औलाद भी किया, और इसके बाद कौम लूत का और कौम सालेह का, लूत का पता ना जिनकी आदत बुरी थी बैड करेक्टर की वजह से, होमोसेक्सुअलिटी की वजह से, अल्लाह ताला ने नबी को कहा कि आप निकल जाएं, बाकियों को अजाब कर दिया। फिर सालेह अलैहिस्सलाम की जो निशानी मांगते थे और पहाड़ी में से फिर वो ऊँट निकला, इसके बावजूद उन्होंने ऊँट को ज़िबा कर दिया और अल्लाह ने फिर उस कौम को तबाह किया। यहाँ तक सूरह अल-हजर के वाक़यात हैं। फिर सूरह नखल, नखल कहते हैं शहद की मक्खी को। अब शहद की मक्खी मेरी इस उंगली की पोटे से ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन अल्लाह ने इसके अंदर जो मौजज़ात रखे हैं अल्लाह ने उसको कंपेयर किया। अब ये देखिए कि आज का कोई भी एनालॉजी और आर्गुमेंट करने वाला जो फ़िलासफ़र होगा वो यही करेगा, वो इस छोटी सी चीज़ में से पूरी तख्लीक जो है उसको साबित करते हैं और उसको निकालते हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने जब अपनी नेमतों का बयान किया है तो नुतफ़े से शुरू करके कि इंसान एक गंदे नुतफ़े से शुरू होता है, लेकिन कायनातों तक का जो ज़िक्र है, ब्लैक होल्स का और यूनिवर्सेस का और एक्सपेंशन का, और फिर किस तरह यूनिवर्सेस जो हैं वो अपने सामने फैलती हैं, जो ये जो तस्करे किए हैं ये बड़े जामे और बड़े आला तरीके से किए हैं। फिर अल्लाह ताला ने जामे तरीन आयत जो है इसमें, ये मैं चाहूँगा कि इस पर भी शेख साहब काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देंगे इंशाअल्लाह ताला, वो ये है कि अदल, एहसान और कराबत दारी अल्लाह ने ये मज़मून बनाया है। अदल को मज़मून बनाया है, एहसान को मज़मून बनाया है, और फिर नातादारी यानी कि ताल्लुक़ रखना। अल्लाह को ये चीज़ किसी सूरत पसंद नहीं है कि कोई किसी मुसलमान के साथ ताल्लुक़ ना तोड़े। याद कीजिएगा कि उम्मे सलमा ने हज़रत आयशा के बारे में भी जो कमेंट किया था जब उनके ऊपर तोहमत लगी थी माज़ल्ला, तो उस पर भी कहा था कि ये नाता रखती है, उम्र में छोटी है लेकिन ये नाता रखती है। अल्लाह ने इसके सदक़े में फिर क्या किया, आगे उनके हक में 10 आयात उतारी। फिर अदल जो है ये अदल इंसाफ की तरफ लेकर जाता है आपको, निसफ़ इंसाफ का जो रूट है वो निसफ़ है,
आधा आधा, आपके पास आधा है और आधा मेरे पास है, लेकिन अगर आप मुझ पे एहसान करें और मेरा आधा बोझ भी आप उठा लें तो ये अदल नहीं होगा लेकिन ये एहसान होगा। ये इतना खूबसूरत तसव्वुर जो खुदा ताला ने फरमाया है इसमें, मेरे ख्याल में इससे बड़ी आयत जो है या इससे भारी आयत जो है, बड़ी तो नहीं मैं कह सकता, मुझे नकल में नहीं मिली। लेकिन शेख साहब इंशाल्लाह ताला आज जो फरमाएंगे इसको गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये दोनों सूरतें जो हैं इनको मसालें दे के हम अपनी यूथ को बहुत से आर्गुमेंट्स समझा सकते हैं। आइए शेख साहब के पास चलते हैं। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين। नाज़रीन किराम अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीमात कुरान सीरीज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक एक नशिस्त में कुरान हकीम के एक एक पारे के मज़ामीन को हम किसी दर्जे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह आज हम कुरान हकीम के 14वें पारे का मुताला आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हमेशा की तरह सबसे पहले तारुफ़ आपकी खिदमत में रखना मकसूद है, और तारुफ़ के हवाले से पहली बात यही है कि कुरान हकीम के पारा नंबर 14 का मुताला आज इंशाल्लाह हम करने की कोशिश करेंगे, जो कि मुश्तमिल है सूरतुल हिज्र रुकू नंबर 1 का सूरत नहल रुकू नंबर 16, यानी ये दो मुकम्मल सूरतें 14वें पारे में शामिल हैं। सूरतुल हिज्र की आयत नंबर 1 तथा सूरतुल नहल आयत नंबर 128, ये आयत 14वें पारे में शामिल हैं। तारुफ के बाद चलते हैं मकासिदे मुताला की तरफ, किन बातों पर गुफ्तगु रहेगी इंशाल्लाह। सबसे पहली बात है पारा नंबर 14 की आयात के मजामीन का जायजा। आपके इल्म है कि हम सूरत के मजामीन का भी एक ओवरव्यू आपकी खिदमत में पेश करते हैं और फिर आयत ब आयत भी मजामीन आपके सामने पेश किए जाते हैं, साथ ही मुंतखब आयात का मुताला करेंगे दोनों सूरतों में इंशाल्लाह हमेशा की तरह। और इसी तरह ज़ेर मुताला आयात में बयान शुदा अहम अवामिरो नवाही का तस्करा किया जाएगा, इन डूज एंड डोंट्स का बयान भी इन दोनों सूरतों के ताल्लुक से हमारे सामने आएगा। नाज़िकराम 14वें पारे में सूरह हिज्र पहले है, उसका आगाज करने से कबल रबते सूरत आपके सामने रखेंगे। आपके इल्म है कि 13वें पारे के इख्तिताम पर सूरह इब्राहिम का की तकमील हुई थी और 14वें पारे में सूरह हिज्र इब्तिदा में आती है। इन दोनों सूरतों का रबते सूरत पहले आपके सामने पेश करना मकसूद है। पहला नुक्ता स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाइएगा, सूरह इब्राहिम में अय्यामुल्लाह का इजमाली जिक्र था, यानी अय्यामुल्लाह अल्लाह के बड़े बड़े दिन जिनमें अल्लाह सुभान व तआला ने बड़े बड़े फैसले फरमाए उनका तस्किरा था। सूरतुल हिज्र में कुरैशी क़यादत के इस्तेहज़ा पर कौम लूत अस्हाबुल ऐका और कौम सबूत की हलाकत के तफसीली तस्किरे बयान हुए हैं। अस्हाबुल ऐका से मुराद शुएब अलैहिस्सलाम की कौम है, तो जो कुरैश की लीडरशिप है, क़यादत है, उनके सरदार हैं, वो जो मजाक उड़ा रहे थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का, उनके इबरत और सबक आमोजी के लिए गुज़िश्ता हलाक शुदा अक़वाम के वाक़यात कुरान ने बयान किए सूरह हिज्र में। दोनों सूरतों के आगाज में आयात कुरानी की अहमियत का बयान है। ये रबते सूरत का एक और नुक्ता है कि दोनों सूरतों के आगाज में कुरान हकीम की अजमत और अहमियत का जिक्र हमारे सामने आता है। दोनों सूरतों के इख्तिताम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अहले ईमान को अल्लाह ताला की तरफ से तसल्ली दी गई है। वो जो एक कशमकश जारी थी मुशिकीन मक्का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान, इस ताल्लुक से अहले ईमान को तसल्ली दी जा रही है अल्लाह सुबहान तआला की तरफ से। ये तस्किरा दोनों सूरतों के इख्तिताम पर हमारे सामने आता है। नाज़िकराम अब चलते हैं सूरतुल हिज्र के आगाज की तरफ। इसकी एक आयत 13वें पारे में शामिल है और बाकी पूरी सूरत 14वें पारे में शामिल है। अलबत्ता आपके इल्म में होगा सऊदी अरब से जो कुरान हकीम या आलम अरब जो कुरान हकीम पब्लिश होते हैं, शाया होते हैं, उनमें ये पूरी सूरत यानी पहली आयत भी 14वें पारे के आगाज में है। इससे कोई ज्यादा हम बहस नहीं कर रहे, अलबत्ता ये जिक्र करेंगे कि गालिब हिस्सा यानी अक्सर हिस्सा सूरतुल हिज्र का 14वें पारे के आगाज में है। आइए पहले सूरतुल हिज्र के मजामीन का तजिया आपके सामने पेश करते हैं। आयात 1-25 ईमानियात सलासा यानी तौहीद आखिरत और रिसालत का तस्करा है। ये एक ओवरव्यू के तौर पर बात आपके सामने अभी रखी जा रही है। पहली 25 आयात में गालिब मौजू ईमानियात सलासा का बयान है। फिर आयात 26-28 किस्सा आदम व इबलीस आदम अलैहिस्सलाम का वाक़ एक और मरतबा बयान हुआ इस मकाम पर। और आखिर में आयात 49-99 ईमान बे रिसालत का जिक्र है और इसके जेल में जो कशमकश जारी थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश मक्का के दरमियान, उसका तस्करा भी हमारे सामने आता है। तो ये तो एक ओवरव्यू है सूरह हिज्र के मजामीन के तजिये के एतबार से। अब आइए आयत ब आयत सूरह हिज्र के मजामीन को हम जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। सूरतुल हिज्र का जायजा आयात के एतबार से पहली
आखिरी दो आयात, कुफार की तमन्ना, काश हम भी मुसलमान होते। ये काफिर तमन्ना करेंगे क्यामत के दिन, जबकि अमल का कोई मौका नहीं होगा, उस दिन तो नताइज सामने आएंगे। अलबत्त इस आरजू तमन्ना का कल कोई फायदा नहीं है। आयात 3-8, नाफरमानों के लिए आजाब का वक्त तय है। मुशिकीन मक्का को भी समझाया जा रहा है, अगर तुम हट धर्मी पर अड़े रहे तो पिछलों पर भी आजाब आया था, तुम्हारे लिए भी अल्लाह का जो मुअय्यन फैसला है वो वक्त पर ही सामने आएगा। फिर आयत नंबर 9, अल्लाह कुरान की हिफाजत खुद फरमाएगा। इस आयत पर बाद में बात भी होगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ही ने कुरान नाजिल फरमाया और अल्लाह ताला ही ने इसकी हिफाजत का जिम्मा भी लिया है। फिर आयात 10-15, हर दौर में अक्सरियत ईमान से महरूम रहती है। ये बड़ी भारी और सख्त बात है। अलबत्त बात ऐसी है कि एक बहुत बड़ी अक्सरियत, एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो जानते बूझते हक से महरूम रहने की रविश इख्तियार कर बैठती है। अल्लाह हमें इससे महरूम रखे, यानी इस रवि से महफूज रखे, माफ़ कीजिएगा, और बचाए रखे, और अल्लाह ताला कुल आलम के इंसानों को हिदायत अता फरमाए और हमें हिदायत पर इस्तेकामत नसीब फरमाए। फिर आयात 16-22, अल्लाह की कुदरत के शाहकार। इस सूरत में भी और मक्की सूरतों की तरह अल्लाह ताला की कुदरतों का नज़ारा बार बार पेश किया गया। इस मकाम पर भी अल्लाह ताला की कुदरत के मुख्तलिफ नज़ारे पेश किए गए हैं। इसके बाद आयात 23-25, अल्लाह जानता है आगे बढ़ने वालों को और पीछे रहने वालों को, कौन दुनिया को तरजीह दे रहे हैं, कौन आखरत को तरजीह दे रहे हैं, सब अल्लाह के इल्म में है। आयात 26-31, अजमत इंसान रूह की वजह से। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र भी आता है, तो जब उनके खाकी वजूद की तकमील हुई और उस उनमें अल्लाह ने अपनी रूह में से कुछ फूका, फिर फरिश्तों से कहा कि सजदा करो आदम को, तो इंसान का जो शरफ है और अजमत है और इज्जत है वो रूह की वजह से, बशर्ते कि इंसान रूह के तकादों पर अमल भी कर रहा हो। फिर आयात 32-35, अल्लाह की लानत है तकब्बुर करने वाले पर। शैतान ने भी हरकत की और अल्लाह की रहमत से दूर हुआ, बल्कि अल्लाह की लानत यानी उसकी रहमत से दूरी में मुब्तला हो गया। अल्लाह ताला तकब्बुर से हम सब की हिफाजत फरमाए। फिर आयात 36-40, इबलीस के नापाक अजाइम, कि वो इंसानों को सही राह से हटाने की कोशिश करता रहेगा। अलबत्ता जो अल्लाह के हो रहे और अल्लाह की बंदगी पर कायम रहे वो शैतान के नापाक अजाइम से इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे। आयात 41-44, शैतान उसे भटकाता है जो खुद भटकना चाहता है, और शैतान भटकाने की कोशिश करता है, गुमराह करने की कोशिश करता है। हिदायत देना, गुमराह करना अल्लाह के इख्तियार में है। अलबत्त जो खुद ये तय कर ले, बुरी राह की तरफ चलना शुरू कर दे और खुद से चॉइस करे बुरे रास्ते को, तो शैतान उसी को फिर आगे और बढ़ाता है गुमराही के अंदर। फिर आयात 45-48, अहले जन्नत की बाहम रंजिशें खत्म कर दी जाएंगी। बात जरा अजीब है, लेकिन बात यह है कि इंसान है सारे लोग, और जन्नत वाले ईमान वाले भी इंसान ही हुआ करते। अगर कोई रंजिशें रह गई होंगी, कोई जरा एक दूसरे से नाराजगी दिल में रह गई होगी, इस सब कुछ से साफ और पाक करके अल्लाह ईमान वालों को जन्नत में दाखिला अता फरमाएंगे। अल्लाह हमें अहले जन्नत में शामिल फरमाए। फिर आयात 49-60, अल्लाह रहम भी करता है और अज़ाब भी देता है। यहाँ तफसील आई है कि अल्लाह सुबहानो ताला गफूर रहीम भी है, मगर अल्लाह ताला ही की ज़ात और उसकी शान ये भी बयान हुई कि वो अज़ाब देने पर भी कादिर है। इसकी मज़ीद तफसीलात इस मकाम पर बयान हुई। फिर आयात 61-84, कौम लूत, कौम शुएब, कौम समूद का अंजाम। ये साबिक अकवाम का तस्करा ईमान बे रिसालत का मौजू भी है। रसूलों की दावत को ठुकराने वाली और झुटलाने वाली कौमों को अल्लाह के अजाब में मुबतला किया गया, और इसका जिक्र करके मुशिकीन मक्का को इबरत दिलाई जा रही है। फिर आयात 85-99, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुसूसी खिताब है, और आपके जरिए अहले ईमान को हिदायत भी अता की गई और अहले ईमान को तसल्ली भी अता की गई, और अल्लाह ही की बंदगी करने का तकादा ईमान वालों के सामने रखा गया है। नाज़िकराम, अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल हिज्र की आयात का जायजा आपकी खिदमत में पेश किया गया। अब चलते हैं चंद मुंतखब आयात के मुताले की तरफ सूरह हिज्र के हवाले से। सबसे पहले जिस आयत का इंतखाब किया गया है, सूरह हिज्र की आयत नंबर 9 है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है इस मकाम पर हिफाजत कुरान के हवाले से, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून। तर्जुमा, बेशक हमने ही इस जिक्र यानी कुरान को नाजिल फरमाया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये जिक्र अल्लाह ही ने अता फरमाया और अल्लाह फरमा रहे कि हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। गो के कुरान के अलावा भी रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम पर वही का नुज़ूल हुआ और उसकी भी हिफाजत अल्लाह सुबहानो ताला ने फरमाई, मगर गालिब अक्सरियत
مفسرین کی، اولاً یہاں قرآن ہی مراد لیتی ہے۔ سادہ سی بات یہ ہے، یہ قرآن اللہ کا آخری پیغام اور آخری کلام ہے۔ پچھلی کتابوں کے بعد کیونکہ آخری کلام آنا تھا تو پچھلی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا گیا، آخری کلام کی حفاظت کا ذمہ لیا گیا اور پچھلی کتابوں کی تعلیمات بھی اس آخری کلام میں عطا کر دی گئیں۔ اور یہ قرآن حفظ کے طور پر بھی محفوظ ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں اس کو لکھنے کے ذریعے بھی محفوظ کیا گیا، اس کی تعلیمات عمل کے اندر بھی آ گئی ہیں اور اس کی تدریس کا سلسلہ پوری دنیا کے کونے کونے میں جاری و ساری ہے۔ تو حفاظت بھی، تحریر بھی، عمل بھی اور تدریس بھی، ان چاروں ذرائع سے قرآن کی حفاظت کا اہتمام ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد اگلی دو آیات کا انتخاب کیا گیا ہے، سورہ حجر کی آیات 49 اور 50، اللہ کی دو شانیں، ان کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وانا عذابی هو العذاب الالیم۔ ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ بے شک میں بہت ہی بخشنے والا ہوں اور مہربان ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے۔ اللہ کی دونوں شانوں کا بیان، وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، مگر ساتھ ہی ذکر ہوا وہ دردناک عذاب دینے والا بھی ہے۔ کیا مراد؟ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف بھی ہو۔ حدیث شریف میں یہ ذکر بھی آیا کہ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کے درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بس رحمت کی امید ہی ہوتی ہے اور آدمی گناہ کرتے رہتا ہے کہ معافی تو ہو جائے گی، اور کبھی اس قدر خوف طاری ہو جاتا ہے کہ آدمی گناہ نہیں چھوڑتا کہ اب تو عذاب مل رہی ہے۔ یہ دونوں رویے انتہا پسندانہ ہیں۔ اعتدال کی بات کیا ہے؟ رب کی رحمت کی امید بھی ہو اور اس کے عذاب کا خوف بھی ہو، یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ قرآن حکیم نے اس مقام پر بیان فرمائیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اگلی اور آخری جس آیت کے انتخاب کیا گیا وہ سورہ حجر کی آیت نمبر 87 ہے، اور بڑا قیمتی مقام سورہ فاتحہ کی عظمت کا یہاں پر ذکر ہے۔ ارشاد ہوا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ السَّبْعَ مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ ترجمہ، اور یقیناً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں 7 آیات دہرائے جانے والیاں، جو کہ بذات خود ایک عظیم قرآن کا درجہ رکھتی ہیں۔ یہ بڑی ہی پیاری بات آئی ہے اس مقام پر، اور اس آیت کی وضاحت جامع ترمذی کی روایت میں خود اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ یہی سورہ فاتحہ 7 من المثانی، بار 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 دہرائے جانے والیاں، یعنی 7 آیات ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ والقرآن العظیم، یہ سورہ فاتحہ قرآن عظیم ہے۔ تو قرآن کی اس آیت کی تفسیر خود رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی، جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اور ان آیات کی عظمت، سورہ فاتحہ کی 7 آیات کی عظمت خود قرآن اس مقام پر بیان فرما رہا ہے۔ تو یہ بار بار دہرائی جاتی ہیں، ان میں ہماری تینوں عقائد کا ذکر بھی ہے، توحید کا بھی، آخرت کا بھی، رسالت کا بھی، اور اللہ کی بزرگی اور بلندی اور اللہ کی عظمت کا بیان بھی، اور بندے کی محتاجی اور دعا مانگنے کا تذکرہ بھی سورہ فاتحہ میں آتا ہے۔ مزید فرمایا کہ یہ قرآن عظیم کا درجہ رکھتی ہیں۔ قرآن حکیم کے تین بنیادی موضوعات ہیں بار بار جن کا ذکر آ رہا ہے، توحید، آخرت اور رسالت، اور رسالت کے ذیل میں ہی شریعت کی تعلیمات ہیں، شریعت کے احکامات ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس کا بیان بھی ہے۔ اور سورہ فاتحہ کی 7 آیات کا تجزیہ کریں تو یہ تینوں بنیادی ایمانیات یا موضوعات سورۃ الفاتحہ میں بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھتے ہوئے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ کے شکر کا ذکر بھی ہے، سورہ فاتحہ میں اللہ کی رحمت کا ذکر بھی ہے، سورہ فاتحہ میں اللہ کے بدلے کے دن کا مالک ہونا اس کا ذکر بھی ہے، سورہ فاتحہ میں اللہ ہی کی عبادت کرنے کا ذکر بھی ہے، سورہ فاتحہ میں اللہ ہی سے دعا کرنے کا بیان بھی ہے، سورہ فاتحہ میں اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنے کا بیان بھی ہے، اور سورہ فاتحہ میں مغضوب علیہ مراد ایک یہود ہے، ان سے مراد، اور ضالین مراد نصارہ، گمراہ رویوں اور فرقوں سے بچنے کی دعا بھی ہے۔ یہ سب کچھ سورہ فاتحہ میں ہمارے سامنے آتا ہے، اللہ ان تقاضوں پر بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورۃ الحجر کی منتخب آیات کا مطالعہ کسی درجے میں ہوا مکمل۔ اب آپ کے سامنے ہم رکھیں گے اوامر و نواہی جو سورہ حجر میں آئے ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ پہلے عوامر کا بیان، اور اس میں ہماری ترتیب فقہی اعتبار سے نہیں ہوتی، بلکہ وہ امور اور اعمال جو کرنے والے کاموں سے متعلق جن کا تذکرہ آتا ہے آیات میں، وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ عوامر کے حوالے سے سب سے پہلی بات، اللہ کی بندگی کرنا آیت نمبر 42، تقوی اختیار کرنا آیت نمبر 45، اللہ ہی سے امید رکھنا آیت نمبر 49، اللہ کا خوف رکھنا آیت نمبر 50، اہل ایمان کے لیے نرم ہونا آیت نمبر 88، یعنی نرمی کا رویہ اختیار کرنا، اللہ کا پیغام علی الاعلان بیان کرنا آیت نمبر 95، تبلیغ کی بات ہو رہی جو پبلکلی کی جائے گی، مشرکین سے اعراض کرنا آیت نمبر 96، اللہ کی تسبیح اور تحمید، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا آیت نمبر 98، مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرنا
آیت نمبر 99، یہ آخری آیت اس سورہ مبارکہ کی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ الحجر کے حوالے سے نواحی یعنی ڈونٹس کا بیان پیش خدمت ہے۔ پیغمبروں کا مذاق اڑانا، آیت نمبر 11، نوٹ کر لیجئے کہ مراد کیا ہے، وہ کام جو نہ کرنے والے ہیں، وہ کام جن سے منع کیا گیا ہے، نواحی کے ذیل میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پیغمبروں کا مذاق اڑانا، آیت نمبر 11، اللہ کی نشانیوں کا انکار، آیت نمبر 15، تکبر کرنا، آیت نمبر 35، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، آیت نمبر 56، برائی پر اڑے رہنا، آیت نمبر 68، آیات الہی سے اعراض کرنا، آیت نمبر 81، دنیا کا طلبگار ہونا، آیت نمبر 88۔ اللہ تعالیٰ ان تمام برے اعمال سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورۃ الحجر کے مضامین کا جائزہ اور عوامر و نواحی بھی آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اب چلتے سورۃ النحل کے آغاز کی طرف۔ یہ سورۃ بھی 14ویں پارے میں اور مکمل سورۃ 14ویں پارے میں شامل ہے۔ البتہ ہمیشہ کی طرح پہلے ربط سورۃ آپ کے سامنے پیش کریں گے، پھر سورۃ النحل کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ ربط سورۃ کے حوالے سے پہلی بات نوٹ فرمائیے گا، سورۃ الحجر میں مجرموں اور مذاق اڑانے والوں کی ہلاکت کا ذکر تھا، سورۃ النحل میں قریش کی مشرق اور مغرور قیادت کا تذکرہ ہے۔ یعنی پچھلی سورۃ میں الحجر میں سابقہ اقوام کا ذکر تھا، قوم سمود کا ذکر بھی تھا، قوم شعیب کا ذکر بھی تھا، قوم لوط کا ذکر بھی تھا، ہلاک ہونے والی اقوام کا تذکرہ تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے مشرکین مکہ اور خصوص ان کے سردار، ان کی قیادت کا تذکرہ ہے، اور ان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ تم بھی اڑے رہے حق کی مخالفت پر تو تمہارا انجام بھی پچھلوں ہی کی طرح ہوگا۔ اب آئیے ناظرین کرام، سورۃ النحل کے مضامین کا تجزیہ کرتے ہیں، پہلے اوور ویو اور اس کے بعد آیت بہ آیت آپ کے سامنے تجزیہ رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ النحل کے تعلق سے پہلی 18 آیات اللہ کی قدرتیں اور نعمتیں، ان کا ذکر ہے۔ ایک اور بات نوٹ کیجئے گا، سورۃ النحل کا ایک اور نام سورۃ النعم بھی ہے، نعمت کی جمع نعم، یعنی یہ وہ سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہے، ظاہری نعمتوں کا بھی اور باطنی نعمتوں کا بھی ذکر ہے۔ تو پہلی 18 آیات میں تو نعمتوں کا بہت کثرت سے ذکر آیا ہے۔ پھر آیات 19-64، مشرکین مکہ کے ساتھ کشمکش، وہ جو ایک مکی صورتوں کا بنیادی موضوع ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دعوت حق پیش کر رہے اور مشرکین مخالفت پر اڑے ہوئے ہیں، اس کا تذکرہ ان آیات میں آیا ہے۔ پھر آیات 65-83، اللہ کی قدرتیں اور نعمتیں، ان کا تذکرہ ہے، اور شہد کی مکھی کا ذکر بھی ہے، اور جانوروں سے جو دودھ حاصل ہوتا ہے اس کا تذکرہ بھی ہے، کئی نعمتوں کا بیان۔ پھر آیات 84-89، ایمان بالآخرت، آخرت پر ایمان کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد آیات 90-100، اہم ہدایات ربانی، آیت نمبر 90 پر ہم بات بھی کریں گے، جمعے کے خطبے کے آخر میں آیت تلاوت کی جاتی ہے، اور معاملات زندگی کے حوالے سے کئی ہدایات اس مقام پر عطا ہوئی ہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ النحل آیات 101-113، مشرکین مکہ کے ساتھ کشمکش، یہ مضمون پھر بیان ہوا ہے۔ آیات 114-119، حلال و حرام کی بحث، بتایا گیا کہ مشرکین نے من چاہے فیصلے کر لیے حلال و حرام کے بارے میں، حالانکہ حرام وہ ہے جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا، تمہارا اختیار نہیں، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ آیات 120-124، عظمت ابراہیم علیہ السلام، ان کی عظمتوں اور ان کی بلندی شان کا تذکرہ ہے۔ اور آخر میں آیات 125-128، صبر و استقامت کی تلقین اہل ایمان کے لیے۔ یہ تو اوور ویو ہے سورۃ النحل کے مضامین کا جو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب چلتے ہیں سورۃ النحل کے جائزے کی طرف، اور آیت بہ آیت انشاءاللہ تعالی یہ جائزہ آپ کے سامنے ہمیشہ کی طرح رکھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں پہلی دو آیات کے بیان سے۔ سورۃ النحل کی پہلی دو آیات، مشرکین کے لیے دو ٹوک اعلان کہ جلدی نہ کرو، عذاب اللہ کا آیا چاہتا ہے اور اپنے وقت پر ہی تم پر نازل ہوگا عذاب۔ پھر آیات 3-4، اللہ کی تخلیق کے تین شاہکار، آسمان زمین اور انسان کی تخلیق کا تذکرہ۔ آیات 5-9، چوپائے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، بڑے فائدے اللہ تعالیٰ نے ان میں رکھے ہیں۔ آیات 10-11، پانی کی برکات، تم بھی پیتے ہو، جانوروں کو بھی پلاتے ہو اور سیراب کرتے ہو، اپنی زمینوں کو اور فصلیں حاصل کرتے ہو۔ آیت نمبر 12، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ یہ ہمارے ایک استاد، اللہ تعالیٰ ہمارے استاد انجی نوید احمد صاحب کی مغفرت فرمائے، یہ ان کے الفاظ ہیں اور یہ انہی کے نکات ہیں جو آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ تو جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے، کیا مطلب؟ اللہ نے کائنات تمہارے لیے بنائی ہے، ٹھیک ہے، اور تمہیں اللہ نے اپنے لیے بنایا۔ اس کائنات میں کھونا جانا، بلکہ کائنات کے خالق کے ہو رہنا، کہ جس نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے زمین پر بھیجا ہے۔ پھر آیت نمبر 13، کائنات کی زینت رنگا رنگی سے ہے، اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی رنگینیاں اس کائنات میں رکھی، اس کو واقعتاً سجایا ہے۔ آیت نمبر 14، انسانوں کے لیے سمندر کی برکات، گوشت بھی حاصل کرتے ہو، موتی بھی حاصل کرتے ہو، زیور کے طور پر اس کو
इस्तेमाल करते हो। आयात 15-16, ज़मीन पर मज़ाहिर कुदरत, ये रंगा रंगी फसलों के अंदर, फलों के अंदर, दरख्तों के अंदर, और क्या कुछ है जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाया। आयत नंबर 17, खालिक के बराबर कोई नहीं हो सकता, मखलूक मखलूक है और खालिक खालिक, और खालिक और मखलूक बराबर नहीं। आयत नंबर 18-19, तुम अल्लाह की नेमतें शुमार नहीं कर सकते, बेशुमार नेमतें अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाईं। आयत 20-23, अपने जैसे इंसानों को माबूद ना बनाओ, मखलूक तो मोहताज है, उसको माबूद बनाने का क्या फ़ायदा। आयात 24-25, गुमराही फैलाना गुनाह जारिया है, जैसे नेकी फैलाना सदक़ा जारिया है, गुमराही को फैलाना, गुनाहों को तरवीज देना, ये गुनाह जारिया का सिलसिला है, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आयात 26-27, अल्लाह का ऐसा आज़ाब जिसका गुमान ना था, ये मुजरिमीन पर आने वाले आज़ाब का तस्करा। आयात 28-29, कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा है, कुरान में इशारे हैं अहादीस में तफसीरात कब्र के आज़ाब के हवाले से, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आयत नंबर 30-31, सबसे बड़ा खैर अल्लाह की किताब कुरान करीम, इस कुरान को खैर यानी बेहतरीन बात करार दिया गया है। आयत नंबर 32, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है, और नेक लोगों की कब्र का तस्करा है, और तफसीरात अहादीस में हमारे सामने आती हैं। आयत 33-34, ना फरमानों को किस बात का इंतजार है, मौत के आने के बाद हम कबूल करेंगे, तब तो कोई फायदा नहीं होगा। आयत नंबर 35, शिर्क के लिए खुशनुमा जवाज, कहते थे मुशरिकीन अगर अल्लाह चाहता तो हमारे बाप दादा शिर्क कर ना हमारे बाप दादा शिर्क करते ना हम शिर्क करते, माज अल्लाह अपनी गलती को अल्लाह की तरफ जो है वो मंसूब कर रहे, माज अल्लाह। आयात 36-37, रसूलों की दावत, अल्लाह की इबादत और ताहूत से बगावत, एक अल्लाह की इबादत की जाए, ताहूत का इनकार किया जाए। आयात 38-40, अल्लाह झूठों को घर तक पहुंचाएगा, ये भी हमारे मुहावरे के अतबार से एक बात है, मुराद है कि जो मुजरिमीन हैं उनका अंजाम जरूर उनके सामने आएगा, दुनिया में भी अल्लाह की पकड़ आती है और आखरत का सबसे बड़ा अज़ाब तो उनके लिए तैयार है। आयात 41-42, अल्लाह की राह में हिजरत की फजीलत, बरकात है और दरजात है जो अल्लाह ने हिजरत करने वालों के लिए बयान फरमाए। आयात 43-44, हदीस कुरान की वजाहत करती है, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को फरमाया गया आप पर कुरान का नुज़ूल हुआ ताकि आप लोगों के लिए इसकी वजाहत फरमाएं। आयात 45-47, अल्लाह के आज़ाब से हर वक्त डरते रहो। आयात 48-50, हर शय ही नहीं उसका साया भी अल्लाह को सजदा करता है, हर शय अल्लाह के हुक्म के ताबे है इस पूरी कायनात में, सिवाय इंसान और जिन्नात जिनको अल्लाह ने अमल का इख्तियार दिया है। आयात 51-52, दो माबूद ना बनाओ, माबूद एक ही है अल्लाह वहदहु ला शरीक, उसकी इबादत में किसी को शरीक न करो। मजीद चंद आयात का बयान आपके सामने तजिए के तौर पर वक्फे के बाद रखेंगे, उम्मीद आप हमारे साथ रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। أسألك يا من هو الله الذي يا من هو الله الذي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। नाज़िर किराम, प्रोग्राम तालीमात कुरान में आपको खुश आमदीद कहते हैं, और आपके इल्म है कि आज हम कुरान हकीम के 14वें पारी के मजामीन का जायज़ा ले रहे हैं, और वक्फे से पहले सूरतुन नहल की आयात का तजिया आपके सामने पेश किया जा रहा था, और आयत नंबर 52 तक का तजिया आपके खिदमत में पेश किया गया था। बात को आगे बढ़ाते हैं और सूरह नहल का जायज़ा मजीद जारी रखते हैं। आयात 53-56, हर नेमत अल्लाह ही की अता करदा है, चुनाचे उसी का शुक्र हम पर वाजिब है। आयात 57-60, मुशकिन मक्का की बे इंसाफ़ी, ज़रा मुश्किल होती तो अल्लाह को पुकारते और मुश्किल दूर हो जाती तो फिर गैरों को पुकारना शुरू कर देते थे। आयत नंबर 61, अल्लाह की रहमत ना होती तो हम तबाह हो जाते, कुरान बार बार ये जिक्र करता है कि अल्लाह हर तुम्हारी हर बात पर हर गुनाह पर पकड़ने पर आ जाए तो ज़मीन पर एक जानदार भी बाकी न छोड़े, ये तो उसकी रहमत है कि वो मोहलत देता है। आयात 62-63, 100-100 गुनाह किए तेरी रहमत के ज़ोर पर, ये भी एक हमारे शेर का एक मिसरा है कि इंसान अल्लाह ताला की सिफत रहमत ही को सामने रखता है और गुनाह किए चले जाता है, गुनाह किए चले जाता है, हालांकि अल्लाह ताला रहमान और रहीम भी है कोई शक नहीं, मगर अल्लाह ताला ने अज़ाब का जिक्र भी किया है और वो शदीदुल इक़ाब भी है, सख्त सज़ा देने वाला भी है, ये दोनों पहलू हमारे सामने रहने चाहिए, पहले भी इसका जिक्र सूरह हिजर के ज़ेल में आया था। फिर आयत नंबर 64,
قرآن کی فیصلہ کن وضاحت حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ موضوع پہلے بھی آیا دوبارہ آیا کہ قرآن کی وضاحت رسول اللہ علیہ السلام فرمائیں گے، یہ ذکر بار بار قرآن کرتا ہے۔ پھر آیات 65-69 اللہ کی نعمت چار مشروبات کی صورت میں، اللہ سبحانہ وتعالی دودھ بھی عطا فرماتا ہے جانوروں میں سے ہم حاصل کرتے ہیں، اور شہد کی مکھی کا جو شہد ہے وہ بھی ہم پیتے ہیں، اس طرح کئی مشروبات کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مقام پر فرمایا۔ آیت نمبر 70 انسان کی بے بسی کہ وہ محتاج ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا، اور اتنا محتاج ہے، دیگر مقامات پر قرآن کہتا ہے کہ سانس لینے کے لیے ہوا بھی اللہ نے تمہیں عطا فرمائی، اور بہت سارے پہلو ہیں اللہ کی نعمتوں کا جن کا ذکر قرآن کرتا ہے اس تعلق سے بھی کہ انسان کی بے بسی اس پر واضح ہو۔ آیت نمبر 71 شرک کی نفی کی ایک واضح مثال، اللہ تعالیٰ نے کئی مثالیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ ایک غلام ہے جس کا ایک آقا ہو اور ایک غلام ہے جس کے کئی آقا ہوں، کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ قطعاً نہیں۔ تو ایک کو ماننے والا راحت و سکون میں ہوگا، اور بہت سو کو پکارنے والا وہ مشکل میں ہوگا۔ آیات 72-74 اللہ کے احسانات اور بندوں کی ناشکری، اس صورت میں بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کو گنوایا لیکن بندے ناشکری ہی پر اڑے رہتے ہیں، اس کا تذکرہ ہے۔ آیات 75-76 دو بلیغ مثالیں، وہی غلاموں والی مثالیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمائی، ایک غلام یہ کہ جس کے پاس جو ہے وہ ایک ہی مالک، دوسرے کے پاس بہت سارے مالک، برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو پورا اختیار رکھتا ہے، دوسرا بیچارہ گونگا اور بہرا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں ہو سکتے۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے کئی مثالیں بیان فرما کر شرک کی نفی فرمائی ہے۔ اس کے بعد آیات 77-83 اللہ کی بے مثال قدرتیں اور نعمتیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو گنوایا، جو بے شمار نعمتیں اللہ نے بندوں کو عطا فرمائی۔ آیات 84-85 امت کے خلاف رسولوں کی گواہی، ہر امت کے رسول کھڑے ہو کر یہ بات کہیں گے اللہ ہم نے تو پیغام کو پہنچا دیا، تب آپ ان سے پوچھئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے کل کے معاملے کو آسان فرمائے۔ آیات 86-88 جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، مشرکین کے جھوٹے معبود کل کسی کام ان کے نہیں آئیں گے، اور وہاں ان کی حسرت کا ہی ایک عالم ہوگا، اور وہ اپنے آپ پر ہی غصہ کر رہے ہوں گے مشرکین کے، کن جھوٹے معبودوں کو ہم نے معبود بنا رکھا تھا۔ آیت 89 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خلاف گواہی، خلاف کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ میں نے پیغام پہنچا دیا، پیغمبر کہہ دیں گے علیہ الصلوۃ والسلام، اب بندوں نے بھی گواہی دینی ہے، یا بندوں نے بھی جواب دینا ہے کہ انہوں نے پیغام کے تعلق سے کیا رویہ اختیار کیا۔ پھر آیت نمبر 90 اللہ کی پسند اور ناپسند، یہ آیت بعد میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ منتخب آیات کے ذیل میں، اور یہ جمعے کے خطبے کے آخر میں تلاوت بھی کی جاتی ہے، اور تین باتوں کا حکم اللہ نے کرنے کے حوالے سے دیا، اور تین باتوں سے اللہ نے اس آیت میں روکا بھی ہے۔ پھر آیات 91-94 معاہدات کی پاسداری کا حکم، وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس کے تعلق سے ایک مثال بھی اللہ نے عطا فرمائی۔ پھر آیات 95-96 عارضی مفادات کے تحت معاہدات کا سودا نہ کرو، مراد ہے کہ کسی کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر تم نے وقتی طور پر معاہدہ کر لیا، اور اس سے تم نے فائدہ اٹھا لیا، اور اس غریب کا تم نے نقصان کر دیا، ایسی بے انصافی سے روکا گیا۔ آیت نمبر 97 پاکیزہ زندگی اللہ کا انعام ہے، اور پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ کہ بندہ ایمان پر قائم ہو اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرے تو راحت و سکون اس کا مقدر ہوگا۔ آیات 98-100 شیطان کا وار کس پر کارگر ہوتا ہے؟ وہ جو شیطان کو دوست بناتے ہیں، اور جو کہ اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف عمل رکھیں، ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ آیات 101-105 قرآن مجید پر اعتراضات کا جواب، مختلف مواقع پر مختلف اعتراضات مشرکین نے کی، ان میں سے یہاں بھی ایک دو اعتراضات کا ذکر، اور قرآن نے اس کا جواب بھی دیا، اللہ ہی کا کلام ہے، یہ کہتے تھے معاذ اللہ گھڑ دیا گیا ہے، کسی سے سیکھ لیا ہے، معاذ اللہ، قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ پھر آیات 106-109 مرتد کی مذمت، مرتد وہ کہ اپوسٹیٹ، جس انگلش میں کہا جاتا ہے کہ جو ایمان قبول کر چکا اب اس سے پھر جائے، ایسے شخص کے لیے جو جان بوجھ کر ایمان کو ترک کر دے، شرعاً تو سزا قتل کی ہے، اس کی تفسیرات اپنی جگہ پر، اور سب سے بڑا عذاب اس کے لیے آخرت میں ہوگا جہنم کا۔ پھر آیت نمبر 110 ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، مراد یہ ہے اللہ کی راہ میں مشقتیں تو آئیں گی، اللہ کی راہ میں امتحانات تو آئیں گے، اہل ایمان کو بھی مشقتوں سے گزارا جائے گا۔ آیت نمبر 111 روز قیامت ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، باپ بیٹے کو نہیں پوچھے گا، بیٹا باپ کو نہیں پوچھے گا، اور کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی۔ آیات 112-113 قرآن میں ہر دور کے حالات کا ذکر ہے، ایک بستی کا ذکر ہوا کہ ناشکری پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں روک لی جاتی ہیں، ناشکری پر اللہ کی عذاب میں بھی لوگوں کو مبتلا
किया जाता है। आयात 114 से 118 हलाल और हराम रिस्क के हवाले से हिदायत, अल्लाह ने किन बातों को हराम करार दिया उसका जिक्र भी है। मुर्दार को हराम किया, बहते खून को हराम किया, सूअर के गोश्त को हराम किया, और वो ज़बीहा जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया जाए उसकी हुरमत का जिक्र भी इस मकाम पर आया, और हलाल और तैयब खाने की तलकीन की गई। आयात 119 से 120 यहूदियों के लिए सजा, उनकी नाफरमानियों की वजह से कुछ हलाल चीजें भी अल्लाह ने उन पर हराम कर दी थी। आयात 121 से 123, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी जात में एक उम्मत थे तन्हा, इतने बड़े काम वो कर गए जो एक बहुत बड़ी उम्मत और जमात के लिए भी मुश्किल और दुश्वार होता। फिर आयत नंबर 124, अल्लाह के नजदीक अफजल दिन जुमे का है, सब्त का नहीं। सब्त सैबत इंग्लिश में ये हफ्ते को कहा जाता है, या यहूद के यहाँ इसकी अजमत मौजूद थी, उन्होंने खुद इस दिन को चाहा कि इख्तियार कर लें। अल्लाह ताला ने हदीस बुखारी की हर उम्मत को जुमे का दिन ही अता किया। यहूद ने हफ्ते का दिन ले लिया, नसारा ने इतवार का दिन ले लिया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने हम मुसलमानों को तौफीक दी कि हमने जुमे को ही इख्तियार किया। आयत नंबर 125, दावत दीन की तीन सतहें, इस पर बाद में भी बात करेंगे। एक है इंटेलेक्चुअल्स को दावत देना, एक है अवामुन्नास को दावत देना, और एक है बातिल फिरके के अफराद जो हक की राह में रोड़े अटकाने की कोशिश करते उनसे गुफ्तगू करना। इन तीन गोशों को यहाँ पर जेरे गुफ्तगू लाया गया। और आखिर में आयात 126 से 128 सबर और तकवा की अहमियत का बयान है सूरतुल नहल के बिल्कुल इख्तिताम पर। यह खासा तवील बयान हुआ, नाज़िकराम आपको अंदाजा भी हो गया कि 128 आयात है सूरतुल नहल की जिनका तजिया आपके सामने पेश किया गया। नाज़िकराम अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल नहल की आयात का जायजा आपकी खिदमत में पेश किया। अब हमेशा की तरह इस सूरत की भी चंद मुंतखब आयात का मुताला आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले सूरतुल नहल की आयत नंबर 44 का मुताला पेश खिदमत है। कुरान करीम की तशरीह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी। अल्लाह ताला खुद इस मकाम पर इरशाद फरमा रहे, वअनज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़िला इलैहिम वलअल्लहुम यतफक्करून। तर्जुमा, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप पर यह जिक्र यानी किताब नाजिल की है ताकि आप इसे लोगों के सामने खोल खोल कर बयान कर दें जो उनकी तरफ नाजिल किया गया है, और ताकि वो गौर फिक्र करें। कुरान अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर नाजिल फरमाया जिब्रील अमीन के जरिए। ये जिक्र सूरह बकरा आयत नंबर 97 में आता है। अल्लाह चाहते हर एक घर में कुरान की कॉपी आ जाती, जो अल्लाह लिखी हुई तौरात तख्तियों पर अता करने पर कादिर है, नाजिल करने पर कादिर है, वो लिखा हुआ कुरान भी दे सकता था, लेकिन नहीं, ए नबी आप पर नाजिल किया, अब आप बताएं लोगों को कि अल्लाह ने क्या नाजिल किया। यह बयान करना, वाज़े करना, यह रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की जिम्मेदारी थी। और इसको दूसरे अंदाज में हम कहते हैं कि कुरान की वजाहत हदीस और सुन्नते रसूल से हमें मैसर आती है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। गोया वो लोग के जो मुनकिरीन सुन्नत मुनकिरीन हदीस हैं और वो कहते हैं कुरान ही हमारे लिए काफी, किसी और शय की जरूरत नहीं, वो बातिल पर हैं, और उनका कुरान को मानने का दावा भी दुरुस्त नहीं है। इसी के खुद कुरान कहता है कि इस कुरान की वजाहत की जरूरत है जो रसूलुल्लाह ने फरमाई है सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अगली दो आयात भी बड़ी अहम है बेटियों के ताल्लुक से। यह सूरतुल नहल की आयात 58 और 59, बेटी की पैदाइश पर मुशरिकों का रवैया। बहुत तवज्जो से समाअत फरमाइएगा, रवैया तो मुशरिकीन का बयान हो रहा है, मगर कभी कभी इन आयात में हमें आज के हमारे इस दौर की तस्वीरें भी दिखाई देती हैं। इरशाद हुआ इस मकाम पर, वइज़ा बुशिरा अहदुहुम बिल उन्था वल्ला वजहुहु मुस्वद्दन वहुवा कज़ीम यतवारा मिनल क़ौमि मिन सूइ मा बुशिरा बिह अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब अला सा मा यहकुमून। तर्जुमा, और उनमें से जब किसी को लड़की होने की खबर दी जाए तो उसका चेहरा सिया हो जाता है और वो दिल ही दिल में घुटने लगता है। उस बुरी खबर की वजह से लोगों से छुपता फिरता है और सोचता है कि आया जिल्लत बर्दाश्त करते हुए लड़की को जिंदा रहने दे या जमीन में गाड़ दे, देखो क्या ही बुरे फैसले वो करते हैं। मुशिकीन के यहाँ बेटियों की पैदाइश होती तो मुंह बन जाता, वो इसको आर समझते, जिल्लत समझते, और उनमें से कोई बदबख्त ऐसा भी होता जो बेटी को जिंदा दफन कर देता, और कोई ये सोचता कि अब इसको दफन करूं या जिल्लत के साथ इसको अपने साथ रखूं। अल्लाह अकबर कबीरा। और उस माशरे में जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक दफा बेटी पैदा हुई, चार बेटी अल्लाह ने अता फरमाई, तो लिखने वालों ने लिखा और बयान करने वालों ने बयान किया था, एक खादिमा रसूलुल्लाह के पास आती है अल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप बैतुल्लाह के करीब हैं, और वो खुशखबरी सुनाती है कि अल्लाह ने बीबी खदीजा को बेटी अता फरमाई, और वो खादिमा कहती है कि रसूलुल्लाह अलैहि
السلام کا چہرہ انور خوشی سے دمک اٹھا گلاب کے پھول کی طرح، اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ وہاں سے تیزی کے ساتھ تشریف لے گئے گویا کہ دوڑتے ہوئے، اور آپ کی سانس بھی پھول رہی تھی، اور آپ نے بی بی خدیجہ کو جا کر مبارکباد دی، اور آپ نے بیٹی کو گود میں اٹھایا اور اس بچی کو چوما اور سینے سے لگائے رکھا اور اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کیا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا اسوہ، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کبھی تین بیٹیوں پر کبھی دو بیٹیوں پر جنت کی بشارت دی کہ ان کی پیدائش پر مونہ بنایا جائے اور ان کی پرورش کی ذمہ داری ادا کی جائے، یہاں تک کہ ان کا نکاح بھی کر دیا جائے، تو اللہ کے پیغمبر نے تین بیٹیوں پر بھی اور دو بیٹیوں پر بھی جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ کہاں قرآن تو مشرکین کا رویہ بیان کر رہا ہے، اور سنت میں رسول اللہ کا طرز عمل ہمارے سامنے آ گیا ہے، تو ہمارے ہاں بیٹیوں کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں یا اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اگلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 ہے، جمعے کے خطبے میں آخر میں اس کو ہم سنتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے 6 احکامات، 3 جمع 3 باتیں اس مقام پر آئیں، 3 باتوں کے کرنے کا حکم ہے اور 3 باتوں سے روکا گیا۔ ارشاد ہوا، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ ترجمہ، بے شک اللہ تمہیں عدل کرنے اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور تمہیں بے حیائی اور برے کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ 3 باتوں کا حکم، عدل کا، عدل کیا ہے؟ جس کا جو حق بنتا ہے دے دیا جائے، یہ قانون کی بنیاد ہے۔ مثلا ہم نے کسی سے ایک کام طے کیا، کام کرو گے 1,000 روپے تمہیں دیں گے، اس نے کام کیا، ہم نے 1,000 روپے دے دیے، یہ قانون کا تقاضا۔ احسان کیا ہے؟ یہ فیاضانہ رویے کو کہتے ہیں، عدل سے آگے بڑھ کر اچھا رویہ اختیار کرنا کہ جس نے ہم سے 1,000 روپے طے کیے، ہم نے جس سے 1,000 روپے طے کیے، ہم نے اس کو 1,100 روپے دے دیے، حق سے بڑھ کر دینا۔ اور ایتائی ذی القربہ، رشتہ دار کا حق ادا کرنا، کس طور پر؟ اگر ہم کسی رشتہ دار کے ساتھ مالی تعاون کر رہے ہیں، کوئی حسن سلوک کر رہے، تو احسان نہیں کر رہے، اپنا فرض اور اس کا حق ادا کر رہے ہیں۔ یہ اٹھان ہے اس معاشرے کی جو قرآن تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ 3 باتوں سے روکا گیا، فحشا، بے حیائی، وہ تمام برے کام جس کو ہر معاشرے میں برا تسلیم کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہر پاکیزہ معاشرے میں اور پاکیزہ افراد میں زنا کو گندا ہی سمجھا جاتا ہے، فحشا۔ اور منکر، وہ کہ جس کو فطرت بھی ناپسند کرے اور شریعت نے بھی اس سے ہمیں منع کیا ہو، منکر جس سے کہ روکا گیا ہو برے کام۔ اور بغ، یہ زیادتی کو کہتے ہیں، کسی کا حق تلف کرنا، کسی کا نقصان کر دینا، کسی پر ظلم کرنا، تو بے حیائی سے بھی روکا گیا، منکر سے بھی روکا گیا، اور بغ یعنی زیادتی کے کاموں سے بھی روکا گیا۔ مزید تفصیلات تفاسیر میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 کاموں کے کرنے کا حکم دیا اور 3 باتوں سے اس مقام پر، 3 برے اعمال سے اس مقام پر روکا ہے۔ اس کے بعد اگلی 2 آیات بھی بڑی قیمتی ہیں، سورہ نحل کی آیات 96 اور 97۔ حقیقی زندگی کیا ہے؟ جو اللہ کی نگاہوں میں حقیقی زندگی ہے۔ ارشاد ہوا، ما عندکم ينفد وما عند الله باق ولنجزین الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ ترجمہ، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ جو شخص نیک اعمال کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مؤمن بھی ہوگا، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے۔ یہ آیت نمبر 96 اور 97 کا ترجمہ ہے۔ ہمیشہ کی زندگی تو آخرت کی ہے، اس لیے فرمایا تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا، تم بھی ختم ہو جاؤ گے، یہ سب بھی ختم ہو جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بن جا رہا، اور جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا، اصل زندگی تو وہاں کی۔ ہاں دنیا میں بھی ایک پاکیزہ زندگی ہوتی ہے جس کا ذکر ہوا، کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے،
तो उसको हम पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमाएंगे। ये कौन सी पाकीज़ा ज़िंदगी है? ईमान वालों में सब्र का जज्बा पैदा हो जाता है, शुक्र का जज्बा पैदा हो जाता है, कनाअत का जज्बा पैदा हो जाता है, तवक्कुल की कैफियत पैदा हो जाती है, सब कुछ होने का यकीन अल्लाह ही से हो इस बात की कैफियत पैदा हो जाती है, अल्लाह ही को कुल नफ़े नुकसान का मालिक समझना, ये जज्बा उनके अंदर और यकीन उनके अंदर पैदा हो जाता है, तो फिर हसद नहीं होगा, जलन नहीं होगी, किसी को आगे बढ़ता हुआ देखकर टेंशन नहीं होगी, किसी के खिलाफ बुरे जज्बात दिल में नहीं आएंगे। ये पाकीज़ा ज़िंदगी किनके लिए? जो ईमान भी लाए और नेक अमल भी करते रहें। अल्लाह हमें ऐसी ही जिंदगी यहां और वहां आखिरत में भी अता फरमाए। नाज़िकराम, इसके बाद अगली आयत, आयत नंबर 112, जिसका इंतखाब किया गया सूरह नहल में से, ना शुक्र गुजार बस्ती की मिसाल। इरशाद हो रहा है, वज़रबा अल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्ली मकान फ़कफ़र बिअनअमिल्लाह फ़अज़ाक़हुल्लाहु लिबासल जूई वल ख़ौफ़ बिमा कानू यस्नऊन। तर्जुमा, और अल्लाह एक बस्ती की मिसाल बयान फरमाता है जो पूरे अमन व इत्मीनान से थी, उसका रिस्क हर तरफ से उसके पास बा फरागत चला आता था, मगर उन लोगों ने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की तो अल्लाह ने उनके आमाल के सबब उनको भूख और खौफ का लिबास पहनाकर नाशुक्री का मजा चखा दिया। ये आयत नंबर 112 सूरह नहल की। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, ये अहले मक्का का बयान है कि जब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की नाफरमानी के रविश पर अड़े रहे ये लोग मक्के वाले, तो 7 बरस तक इन पर कहद भी मुसल्लत किया गया था, अल्लाह ताला महफूज रखे। अलबत्ता कुरान अबदी कलाम है, हर दौर में ऐसी मिसालें सामने आती रहेंगी। और नाज़िकराम, हमेशा की तरह आखिर में फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश खिदमत, और मकसूद होता है कुरान की तरगीब और तशवीक दिलाना। इरशाद हुआ, रश्क तो बस दो ही आदमी पर हो सकता है, एक तो उस पर जिसे अल्लाह ने कुरान मजीद का इल्म दिया और वो उसके साथ रात की घड़ियों में खड़ा होकर नमाज पढ़ता रहा, और दूसरा आदमी वो जिसे अल्लाह ताला ने माल दिया और वो उसे मोहताजों पर रात दिन खैरात करता रहा। सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, कुरान की दौलत अता हुई और रातों में भी उसके साथ खड़ा हो और उसी के साथ दिन रात लगा हो, और दूसरा वो जिसको माल मिला और अल्लाह की राह में खर्च करता है, ऐसे दो अफराद पर रश्क करना जायज़ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको कुरान हकीम से हमारे ताल्लुक की मजीद मजबूती अता फरमाए। वाखिर दुआना अन अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। نسألك يا من هو الله الذي से इतना जरूर कह देना, मदीना से इतना जरूर कह देना के गगनिए तीरे निगे नजर जो या शाह है उमम
चर्चा हो नहीं सकता, कभी उस शख्स के वो चर्चा हो नहीं सकता, भरम जिसका नबी रखे वो रुसवा हो नहीं सकता, भरम जिसका नबी रखे वो रुसवा हो नहीं सकता। मदीने में मोहतर कोई साई ना मुरादा है, मदीने में मोहतर कोई साई ना मुरादा है, मेरे सरकार को हर किस गवारा हो नहीं सकता। चाहे हो एक नजर करो मेरी लाज तुम्हारे, भरा दिल है मेरा सल्ला सैयद मुसले सल्ला सैयद मुसले तस्कीने जा, एक शब्द तो मुझे दी हो दीदा, मेरी नैया लगा दो अपने कर्म से, एक नजर करो मेरी लाज तुम्हारे तेरा, जिसकी हवा मुश्के खुतर सल्ला सैयद मुसले सल्ला शबीर मुसलमी सल्ला सैयद मुसले सल्ला शबीर मुसलमी। हाँ नाम तेरा सल्ला रूह है रख लो भरम रब के हबीब सल्ला सैयद मुसले सल्ला सभी मुसले। हाँ रूह है अदब जाने भी तुम ही तो हो सबके कभी सल्ला सैयद मुसले तुम्हें क्या है कमी मक्की मदनी, क्या है कमी मक्की मदनी, तुम दोनों चाहते हो तुम्हारा मेरी नैया लगा दो अपने कर्म से पार हो या हबीबी।
सलामत रहिए, अस्सलाम वालेकुम नबी अली हुजूर, कैसे मजा आ जाए आप पीछे कहाँ बैठ जाते हैं? बस मैं बोला शुरू हो गया तो रुक गया। अस्सलाम वालेकुम नबी अली हुजूर, सूरत हाल ये है कि कुछ मसाइब ऐसे हैं जिनमें ये तसव्वुर किया जाएगा कि आप जब मर जाते हैं तो आप वापस अपने अमाल की बुनियाद पर, अमलों की बुनियाद पर, अगर गंदे अमल हैं तो जानवर की सूरत में, अगर अच्छे अमल हैं तो अच्छी शक्ल के अंदर आप वापस तशरीफ़ लाएँगे। इस मामले को कहते हैं एवागॉन, आप साइकिल हैं। ये क्यों है ऐसे, ये मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। जितने भी इल्हामी मज़हब हैं ना, जो नबियों की वजह से आए, इनके अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खनखनाती हुई गंदी बदबूदार मिट्टी से लेके, कुरान है ये, वहाँ से लेके कयामत में से गुज़रते हुए जन्नत में क्या क्या राहतें होंगी, तमाम चीज़ें जो हैं वो हमें इल्म नहीं है, हमें बता दी गई हैं कि ऐसा होगा। ये फ़र्क है बुनियादी तौर पर उन मज़ाहिब में जो इल्हामी होते हैं और जो इंसानी होते हैं। आज हम पता किस चीज़ पर बात करेंगे कि जब मैं और आप इस दुनिया में नहीं होंगे, सुनने वाले देखने वाले नहीं होंगे, तो हमारे साथ क्या हो रहा होगा, क्या जो कुछ हो रहा होगा, क्या सारेम भाई को और बिलाल कुतुब को पता होगा कि वो क्या हो रहा है? अंदाज़ा होगा, हमें पता होगा, हमें किया है। हाँ बिल्कुल, दुनिया में किया है वो, वही सब कुछ वहाँ होगा। हमने क्या किया? नहीं किया तो है। हाँ, तो क्या किया? इंसान बने तो इंसान ने तो बहुत कुछ किया है। अल्लाह ताला जो है ना, वो नबी की उम्मत से कह रहा है, वो कहता है कि जब मैं तेरी उम्मत का हिसाब लूंगा ना, तो मैं पर्दा कर लूंगा, ओट ओट कर लूंगा, और ओट में लोगों से पूछूंगा तूने ये किया था, सारिम कहेगा हाँ या अल्लाह किया था, तूने ये भी किया था या अल्लाह ये भी गलती हुई थी, अल्लाह कहेगा अच्छा चल तू मान लेता है ना, मैंने तुझे माफ़ किया। मान तो लेंगे। ये वो सिनेरियोज़ हैं जो कि किसी और मज़हब के अंदर डिस्कस या डिबेटेबल नहीं हो सकते सवाए इस्लाम के। ये है इस दीन की खूबसूरती। आ चले मेहमानों के पास। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, खैरियत से आप लोग? इंतहाई मोहतरम हमारे साथ जनाब अली जमान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। कुमैल महदवी अभी कुछ देर में हमारे साथ होंगे। हकीम अकबर दस साहब हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती फजल सुभान साहब, अस्सलाम वालेकुम हमारे साथ हैं। अलहाज शफीक भाई, अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। निदा जैदी हमारे साथ हैं, पहली दफ़ा निदा जैदी तशरीफ़ लाई हैं। शाह साहब को बहुत ज़्यादा मुबारक कि आप तशरीफ़ लाई हैं और इस मुबारक महीने में, और आपका बहुत शुक्रिया। और सारे भाई हमारे साथ हैं। हजूर अकदस, क्या ये बात दुरुस्त है कि जब हम मरेंगे तो कब्र में जाएंगे तो मरने का इल्म होगा हमें? अहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। ठीक। और हर आदमी के मरने का वक्त मुकर्रर भी है, स्पेसिफिक वक्त है, लिकुल्ल उम्मतिन अजल, ये बदल भी सकता है। जब वो वक्त आएगा तो एक सेकंड की भी तकदीम और ताखीर नहीं होगी, नहीं बदल सकता। लेकिन हमें पता नहीं है कि हमारी मौत का वक्त कौन सा है। फरमाए जब बच्चा पैदा होता है तो उसी वक्त उसकी रूह और किताब में चार चीज़ें लिख दी जाती है, पैदाइश, मौत, रिजिक और आमाल। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह के यहाँ तकदीर में तय शुदा है। बाज़ औक़ात जो ये कहा जाता है कि सदका करने से आपकी उम्र में इजाफा कर दिया जाता है, दुआ से, तो उसमें बरकत आ जाती है, लेकिन वो स्पेसिफिक जो उसका टाइम है उसमें तब्दीली नहीं होती है। कुरान करीम की एक दूसरी आयत में भी यूं ही फरमाया कि ये जो मौत है हर नफ्स के लिए हमने इसको लिख दिया, किताबम मुअज्जला। तो किताब का एक माना तकदीर होता है, एक माना खत होता है, एक माना उसका वक्त मुकर्ररा होता है, और मुअज्जल का माना वही है कि वो, यानी उसमें ड्यूरेशन लंबा तो है लेकिन अल्लाह के यहाँ। बनी इसराइल की एक रवायत है जिसमें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो पूछते हैं अल्लाह से कि अल्लाह तू फिरौन की उम्र बढ़ा क्यों देता है? फिरौन की उम्र पता कितनी थी? जो फिरौन मूसा के 450 साल,
तक जिंदा रहा। तो अल्लाह ने पता है इस पे क्या जवाब दिया? अल्लाह ने कहा क्योंकि उसके महल में जो ज़रूरतमंद आता है वो उसकी ज़रूरत को पूरा करता है, मुझे ये अमल उसका बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, ये जो रिवायात है ना, तो वो रिवायात इसराइली रिवायत है, वो इतनी ऑथेंटिक नहीं होती। और उलमा ने यही मज़ा बड़ा आता है, उलमा ने यही लिखा है, ज़ाहिर है जो स्पाइसी चीज़ें होती है उसमें हमें मज़ा नहीं। लेकिन देखिए ना, जो बुखारी और मुस्लिम के अलावा हदीसें हैं वो भी बड़ी स्पाइसी हैं, वक्त के बारे में, मुकद्दर के बारे में, वो बड़ी स्पाइसी है, वो बड़ा लुत्फ आता है। हदीस का इमाम हंबल की हदीसों का बड़ा लुत्फ आता है। हदीस का जो क्राइटेरिया है ना, अब सही हदीस किसको कहते हैं? जाहिर है पता नहीं है, छह की छह किताबें हैं, इनको सही नहीं मानते। नहीं नहीं, आप सुने तो सही ना, सही हदीस की डेफिनेशन क्या है? बिनकल अदल तम में जब्ती मुत्तसिल सनद गैर मुअल्लल वला शाज, नकल करने वाला आदिल हो, तम जब्त हो, मुत्तसिल सनद हो और उसमें तालील और शाज ना हो। फिर देखिए उसमें कैटेगरीज है, एक खबर होती है जिसको सही कहते हैं, खबरें मशहूर होती है, खबरें वाइद होती है, मुतवातिर होती है, तो उसमें थोड़ा सा फर्क हम करें। दुरुस्त है, दुरुस्त है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, सेहत के हिसाब से उसका फर्क जरूर होगा। हुजूर एक दस इसका जवाब अभी नहीं आया कि जब हम मरेंगे तो क्या हमें इल्म होगा कि हम मर गए हैं? देखिए, मौत का फरिश्ता जब इंसान के पास रूह कब्ज करने के लिए आता है, उस वक्त उसको ये एहसास हो जाता है कि अब मेरा वक्त। फरिश्ता नजर आता है? फरिश्ता नजर आता है उसको, फरिश्ता भी नजर आता है, वो उसके आमाल भी जो है उसके सामने आ जाते हैं जो उसने सारी जिंदगी में किए होते हैं उसी वक्त। और उसी वक्त, और अगर नेक रुआ जैसे सारे भाई आइंदा में एहतियात करनी है, है ना, जैसे डॉक्टर इकबाल ने कहा कि निशाने। अच्छा, ये फरिश्ता एक ही होता है? फरिश्ता तो देखे ये मौत का मलकुल मौत तो एक ही है, लेकिन उसके साथ जो रिवायात में मैंने देखा है वो ये है कि 400,000 फरिश्ते आते हैं रूह को कब्ज करने। बिल्कुल, ये दूर तक नजर आ रहे होते हैं और सब नजर आ रहे होते हैं। एक का काम है कि अंगूठे से लेकर घुटने तक रूह निकाले और वो थक कर चूर चूर हो जाते हैं। फिर दूसरा नाक जो है वो घुटने से लेकर कमर तक रूह निकालता है, वो भी थक कर चूर हो जाता है। तीसरा जो है वो कमर से लेकर दिल तक रूह निकालता है, वो भी जो है वो थक कर चूर हो जाता है। उसके बाद चौथा नाक जो है वो हलक तक रूह निकालता है। यहाँ से सिर्फ मलकुल मौत जो है झटका देते हैं, जिसको आप आखिरी हिचकी कहते हैं। और हमारे वालिद का एक शेर मुझे अल्लामा ज़हूरुल हसन दर्स उनका याद आ रहा है, वो फरमाते हैं कि मौत की हिचकी नहीं, कुदरत का इसमें राज है। अच्छा, ये शकिस्ता साज दिल की आखिरी आवाज है। क्या बात है हुजूर, एक दस क्या उस वक्त ये एहसास हो रहा है? अब वो शख्स मर गया, ठीक, अब क्या उसका एहसास होगा? अब मरने के बाद तो जो है वो अगर सईद रूह है, अच्छी उसने अमाल किए, नेक रूह है, तो उसको तो जो है वो उसी वक्त जो है वो मलकुल मौत जो है वो लेकर जाते हैं। और जो नेकी के फरिश्ते हैं वो जो है अपने साथ आए होते हैं, साथ साथ आए हुए होते हैं, वो उस ज़मीन भी जो है वो ये कब्र भी जो है पुकारती रहती है कि ऐ शख्स, तूने अपने मेरे ऊपर जो है वो बहुत नेक काम किए हैं, बहुत लोगों की जो है मदद की है, बहुत लोगों को जो है तूने जो है वो फ़ायदा पहुंचाया है, तो मैं तो तेरा इंतज़ार कर रही हूँ, आ तुझको मैं अपनी आगोश में ले लूँ। वाह। और जो बदबू होती है, हाँ, यानी जो नेक रूह नहीं होती है, उसको जो है वो कब्र की जानिब से ये आवाज़ दी जाती है कि लामा साहब, जो नेक आदमी जो है वो पानी में मर गया तो उसको तो कब्र बुलाएगी कैसे? हदीस पाक में आता है कि जो जहां मरता है ना, तो उसकी रूह को जमीन में कब्र में लौटा दिया जाता है। बाज़ उलमा ने कहा उसके लिए वो समंदर की ते भी कब्र बन जाती है। और हदीस पाक में आता है, हजरत साहब ने इशारा किया कि जब नेक आदमी का इंतकाल होता है तो कब्र कहती है तेरा आना मुबारक, और फिर उसके लिए कब्र कुशादा हो जाती है, जन्नत की खिड़की खुल जाती है। कुशादा होती है या इमेजिनरी कुशादा होती है? जी जी, देखिए ये फिजिकली होती है, चूंकि वो आलम बरज़ख है, उसके मामलात इस दुनिया पर कियास नहीं किए जा सकते। जी जी, लेकिन वो कब्र जमीन के नीचे है, तो जमीन के नीचे अल्लाह पाक इस पर कादिर है कि उसको कुशादा कर दिया जाए। यानी आप कह रहे हैं कि कब्र प्रैक्टिकली 10 मरले की हो जाती है? मैं मिसाल दे रहा हूँ। देखिए, कब्र 10 मरले की नहीं, खिड़की खुल जाती है और जन्नत के नजारे उसको नजर आने लगते हैं, दूर से नजर आते हैं। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक सेकंड, वो मरा जब इंसान, तो अब उसको कोई खबर नहीं है कि मैं मर चुका हूँ?
नहीं उसको बिल्कुल खबर है, जैसे हजरत ने कहा बाज लोगों को तो मौत से एक महीना पहले नहीं, मर के क्या खबर है उसको कि मैं जी जी बिल्कुल मरने के बाद खबर है। जब उसको गुसल पे लेकर जा रहे हैं तो उसको खबर है कि मुझे गुसल पे लेकर जा रहे हैं। जी जी मैं आपको बताता हूँ, उसको बिल्कुल खबर होती है, इवन के जब उसके ऊपर रोने वाले रोते हैं तो इसको तकलीफ होती है। तो मुफस्सिरीन ने लिखा कि भाई इसको क्यों तकलीफ हो रही है, इसने अपनी दुनिया में उनकी काउंसलिंग नहीं की, उन्हें मसाइल नहीं समझाए थे, और फिर जब इसको गुसल देकर वो तदफीन होती है, जब तदफीन होती है एक मिनट, तो तदफीन के बाद जब ये लोग जाने लगते तो ये जाने वालों के कदमों की आहट सुनता है, और यहां तक फरिश्ते आकर इसको बैठाते हैं और सवाल जवाब करते हैं। तो आका ने फरमाया तुम अपने भाई की कब्र पे थोड़ी देर बैठो और इतनी देर कुछ पढ़ो कि एक ऊंट को ज़िबा करके उसका गोश्त तकसीम कर दिया जाए ताकि उसको उनसियत महसूस हो और वाहशत महसूस ना हो। उस पर अभी आते हैं, अभी हम पीछे हैं थोड़ा सा। जी जी, अगर वो शख्स जो है उसको ये पता है कि मुझे गुस्ल दिया जा रहा है या मैं मर चुका हूं और मुझ पे मुश्किल पैदा हो रही है क्योंकि ये लोग रो रहे हैं, इस पे अम्मा आयशा की भी एक रवायत है जिस पे हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर को उन्होंने दुरुस्त फरमाया है कि इस पे रोया ना करो क्योंकि उसको अजाब होता है, इस पे अम्मा आयशा ने उनकी दुरुस्तगी फरमाई है। तो वो फिर मौत कैसी हुई अगर उसको सारा कुछ इल्म है? तो देखिए मौत इस दुनिया से उस दुनिया में मुंतकिल होने का नाम है, एहसास तो नहीं खत्म हुआ मुर्दे का। और बीइंग अ मुस्लिम एक काफिर और मुसलमान की जिंदगी में फर्क ये वो कहता है कि नहीं आदमी कहानी खत्म हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि मरा हुआ आदमी जो है वो मेरी बातें सुन रहा है। बिल्कुल जी जी, तो मैं उससे बैठ के बातें करूं तो इस पे कोई इतराज नहीं होगा कि मुर्दे से की बातें है ना, मुर्दे सुनते हैं या नहीं, रूह उसकी जो है वो इस तमाम चीज का इदराक। रूह तो ले गए आपने फरमाया? नहीं नहीं ले तो नहीं गए वो, तो जब तक जिस जगह उसका इंतकाल हुआ है उस मकाम से उसका 40 दिन तक जो है राबता रहता है उस रूह का, रूह वापस आती है वहाँ पे, वो सारी चीजें जो है वो रूह तो महसूस करती है, रूह ही रूह वापस घर में आती है। घर में आती है की बात नहीं है, बात यह है कि उसकी कहां जाती है, रूह कब्ज हो गई, उसके कब्ज होने के बाद वो रूह जो है दुनिया नहीं छोड़ी उसने, तमाम जगह जो है वो देखें, एक रूह जो है हमारी रूह है सैलानी कहलाती है कि आप ख्वाब में सोए हुए हैं, ख्वाब में आप जो है वो मालूम हुआ कि मुल्क मुख्तलिफ मुल्कों की सैर कर रहे हैं, आसमानों की सैर कर रहे हैं और मदीना मुनव्वरा में बैठे हुए हैं या अमेरिका में बैठे हुए हैं और जेन्युइनली ऐसा है। अच्छा, इसका मतलब रूह भी एक नहीं है, रूह जो है रूह की दो है, एक तो सैलानी सवाल किया जब हुजूर से कि भाई ये रूह के मुतालिक आप बताएं कि रूह क्या है, या सलूना कानी रूह बोले रूह मिन अम्र रब्बी, अल्लाह ताला ने उसकी वजाहत नहीं फरमाई, उसका इल्म बस ये कह दिया कि ये अल्लाह ताला के अवामिर में से एक अम्र है, तो कुल रूह मिन अम्र रब्बी, और आपने इतनी ही उसकी तशरीह फरमाई बस, और नहीं किसी को इल्म। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जो मुर्दा होता है मर गया हमारे नज़दीक वो मर गया, तो उसको आपकी गुफ्तगू भी सुनाई दे रही है, उसको अपने गुसल का भी पता चल रहा है, तो यानी कि वो अपनी ताई तो जिंदा है, मुझे और उसकी जिंदगी में फर्क है। बिल्कुल, हम तो बिल्कुल हिस्सो हरकत के साथ हैं, वो बेहिस्सो हरकत है, लेकिन उसकी रूह सारी चीजों को जो है वो मुलायदा कर रही है। तो रूह तो आप फिर कह रहे हैं चली गई है, फिर ये रूह कहां से आ गई इसमें दोबारा? मैंने कहा ना कि एक एक रूह चली गई है, दूसरी है अभी, वो है अभी मौजूद है। उसमें क्या मैं आपको बात बताऊं कि गासिल को गुस्ल देने वाले को हुक्म है कि नरम करे, आहिस्ता से पानी डाले, साबन जो है वो उसके रगड़े नहीं उसके जिस्म पर, इसलिए मैं बता रहा हूँ ना आपको कि साबन का जो है झाग बनाकर और वो जो है उससे उस मलबल से लगाए मले, बिल्कुल, और इसीलिए वो कपड़ा जो है वो रखा भी जाता है। तो क्यों दी, कहा कि चार नाक फरिश्तों ने इसका कीमा किया है, अब इसमें इतनी सकत नहीं है कि वो पानी के बोझ को बर्दाश्त करे या साबन के बोझ को बर्दाश्त करे, तो इसका मतलब वो महसूस कर रहा है, महसूस कर रहा है। तो मुर्दे को मुर्दा नहीं समझना चाहिए, मुर्दा भी एक और हालत है जिंदगी में है। देखिए शहीद के बारे में यही कहा, वो शहीद है, नहीं नहीं सुने आम की बात है, तो इंसान ना, कुरान ने क्या कहा, वला तकूलू लिमन युक्तला देखिए सुने, उसमें यह ना कि ये मरने वाला भी तो जिंदा इसीलिए तो जन्नत के मजे लूट रहा है और जहन्नम में इसको अजाब कब्र से शुरू हो रहा है, अगर ये मरा हुआ होता तो फिर अजाब कब्र का क्या फायदा। ये फरमाइए कि जो अजाब है कब्र का ये जिस्म पर है? जी, जिस्म और रूह दोनों पर है। रूह तो अल्लाह का अमर है, रूह अल्लाह का अमर है, लेकिन उसको भी अजाब है, लेकिन अजाब तो फील तो कर रही है ना, ये जिस्म भी तो अल्लाह का अमर जिस्म। देखे सर, सर समझाना क्योंकि हम नरायक लोग हैं। जी जी जी, सो थोड़ा सा आसान करके समझाएं, अमरे रब को भी अजाब है। देखिए मेरे सुने, इंसान क्या है, ये अमरे रब नहीं है, इंसान जो पैदा रूह के ऊपर, मेरी बात सुन लेना,
देखिए सवाल के बाद थोड़ा सा जवाब लंबा सर, आप बात को यूं लेकर आ रहे हैं ना तो वो मेरी अकल इतनी नहीं है के लिए। लेकिन मेरी अकल नहीं है, शायद औरों की अकल में आ रहा है। देखिए कुन जो है ना, अमरे कुन क्या है, अब मुझे ये बताएं, मैं आपसे सवाल करता हूँ। अल्लाह फरमाते कुन हो जा, फयकुन चीज हो जाती है, हम सब अमरे कुन है। आप ये नहीं कह सकते कि जिसम अल्लाह का अमर नहीं है। रूह का मतलब क्या है कि ये रूह ऊपर से आई है और बदन बजायर मिट्टी से बना है, तो ये फीलिंग जो है ना रूह, इन्नल अब्रार लफी इल्लियीन, कुरान कहता है कि नेक लोगों की रूह इल्लियीन में, इल्लियीन टॉप में जन्नत में, और जहन्नमियों की रूह आप कनेक्ट करें ना, आप डेटा बहुत अच्छा दे रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन सवाल का जवाब जो है ना वो नहीं समझ में आ रहा। मैं बनाऊं खनकती मट्टी में से जी, ठीक है, और आदम अलैहिस्सलाम किससे बने? इसी से, मैं उन्हीं का जिक्र कर रहा हूँ, आदम अलैहिस्सलाम ही का जिक्र, उन्हीं से आ रहा हूँ। हम तो बज़ाहिर नुतफे से बने। जी 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 जी, तो अल्लाह ने रूह को कैसे कंस्ट्रक्ट किया है, नूर से या इसी तरह बदबूदार खनकती मट्टी में से, उनका भी प्रोसेस नहीं? वो अल्लाह के हमारे ऊपर से डायरेक्ट आया, तो दोनों बराबर ना हुए ना? बिल्कुल नहीं हुए। तो जब जिस्म के ऊपर अजाब आ रहा है तो वो अजाब किस सूरत में आ रहा है? आग की सूरत में, खौफ की सूरत में, किस सूरत में आ रहा है? देखिए अजाब खौफ और आग दोनों की सूरत में, आग यानी कि जल रही है या इमेजिनरी आग है? देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई कुछ लोगों को कब्र में अजाब दिया जाता है, अन्नारु युरजून अलैहा, आग उन पर पेश की जाती है, ये कुरान की वाज़ेह आयत है। तो कब्र उनकी आग से भर जाती है, और फरमाया अल-क़ब्रु रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नत व हफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार, ये कब्र जन्नत के बागीचों में से बागीचा सर, या समझने की बात है ना, आप जब कुरान फरमाएंगे ना तो कुरान के ऊपर तो किसी को दो राय हो ही नहीं सकती ना। आप जब ये जोर देंगे कि ये कुरान समझने में दो कह रहे हैं, नहीं समझने की ये बात है कि जब कुरान कह रहा है कि आग है तो वो आग वहां पे दस्ती लगी है या इमेजिनरी लगी है? नहीं नहीं, वो दस्ती लगी है, मुझे और आपको फील नहीं हो रही। देखिए तिर्मिजी शरीफ की एक हदीस है, दस्ती फिर कैसे हुई? बाहर वालों को फील नहीं, तिर्मिजी शरीफ की एक हदीस है, मट्टी गर्म होगी उससे? बिल्कुल अंदर गर्म होगी, वो तो देखे ना एहसास है उसका, जिसमें एहसास कर रहा है, रूह एहसास कर रही है, क्या है कि ये अजाब एहसास का एहसास है। इस क्या है कि तिर्मिजी शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बदकिरदार और दुनिया में जो है वो मासी शियार शख्स है वो जाता है तो वो कब्र उसको एक तो आवाज़ देती है कि मैंने तेरे लिए जो है वो यहाँ अजाब अल्लाह ताला का जो है तेरे लिए तैयार है। उसमें क्या है कि 70 अजदहे उस पर जो है वो एकदम से आकर, अब वो 6 फुट 2.5 फुट में 70 आ नहीं सकते, इसका मतलब ये हुआ कि ये इमेजिनरी है, ये कुशादा बात नहीं, कुशादगी जो है, जैसे भी रूहानी कुशादगी है ना, ये जो इरशाद फरमाया फजल सुभान साहब ने कि उसको जो है ताहद नजर जो है उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाता है जो नेक आमाल वाला है, और उसके लिए जन्नत की एक खिड़की वहां ये आगे या समझ ये नहीं आ रही कि खिड़की जो है वो रूहानी है कि प्रैक्टिकल है, ये नहीं पता नहीं। आप इसके लिए कहें वो पाई कबर से जा पता चले, वो कहते कि तू मर जरा कबर मर से तब जगेगा पता। अब लेते हैं वक्फा, वापस आते हैं। तो गुनहगार है रहमान है मौला, बंदा तो गुनहगार है रहमान है मौला, बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला, बंदा तो गुनहगार है रहमान है मौला, मायूस है क्यों मायूस है क्यों, रहमत बारिश बता दे अल्लाह के दरबार में सर अपना झुका दे, मायूस है क्यों रहमत बारिश बता दे अल्लाह के दरबार में सर अपना झुका दे, फिर देख तेरा कितना निगहबान है मौला, बंदा
तो गुनहगार है रहमान है मौला, बंदे पे कर्म करना तेरी शान है मौला, बंदा तो गुनहगार है रहमान है मौला, होता है करम होता है करम सब पे ये दाता का नगर है, बिछड़े हुए मिलते हैं जहाँ ये वो ही दर है, होता है करम सब पे ये दाता का नगर है, बिछड़े हुए मिलते हैं जहाँ ये वो ही दर है, मिल जाएगी मिल जाएगी मंजिल मेरा ईमान है मौला, तो गुनाह गार है रहमान है मौला, अपनों को भी मैं अपना यहाँ कह नहीं सकता, ये दर्द है वो जिसको मैं अब सह नहीं सकता, अपनों को भी मैं अपना यहाँ कह नहीं सकता, ये दर्द है वो जिसको मैं अब सह नहीं सकता, सत्तार है पार है सुल्तान है मौला, बंदा तो गुनहगार है रहमान है मौला, रहमान है मौला, रहमान है मौला, रहमान है मौला, रहमान रहमान है मौला, बंदा तो गुनहगार है। हुजूर अकदस, अगर आप इजाज़त दें और माफ़ी पहले मेरी कबूल कर लें तो मैं एक हदिया करना चाहता हूँ आपको, बात इजाज़त हजरत। वो डर उलमा रकराम से इसलिए लगता है कि वो हवाला जात जो है ना वो कहेंगे कि साबित करके दिखाओ, तो फिर मैं साबित नलायक इंसान हूँ नहीं कर सकूँगा तो फिर फंस जाऊँगा मैं। वो मौला की एक रवायत है, मौला जो है वो मेंबर पे खड़े हैं इमाम अली करम अल्लाह जो हैं, और वो लोगों को कहते हैं कि तुम जितने मर्जी खूबसूरत और हसीन हो तुम अपना चेहरा नहीं देख सकते कभी। इंसान की कमज़ोरी का क्या तस्करा और जिक्र किया है, इंसान अपना चेहरा नहीं देख सकता। तो असहाब ने कहा इमाम को कि हम तो आईना देखते हैं, हम अपना चेहरा देखते हैं। इमाम ने कहा आईने में तुम अपना अक्स देखते हो, हैं अपना चेहरा नहीं देख सकते। तो इमाम से पूछा कि साहब ने कि हम अपना चेहरा कब देख सकते हैं, कहा जब तुम मरोगे तो अपने ही सीधी तरफ खड़े होके अपने आप को पहली दफा देखोगे। ये तकरीबन को 28 सफ़े की रवायत है, जो इधर अरबी और इधर उर्दू, इधर अरबी और उर्दू। कहा अच्छा फिर तुम देखोगे, तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि ये तुम हो, फिर तुम लोगों को देखोगे तो तुम्हें परेशानी होगी कि ये लोग क्यों रो रहे हैं, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। फिर ये लंबी तफसील से बात जाती है, उसको नहलाने के लिए लेकर जाते हैं, तो उसको एहसास होता है, वो लोगों से कहता है कि देखो मैंने तुम पे ये एहसान किया था, मैंने तुझे ये कर्ज़ा दिया था, अगर तुम इस वक्त थोड़ा सा मेरे जिस्म के साथ नरमी का बर्ताव कर लोगे तो क्या हो जाएगा, मेरे एहसानात याद करो। अजाब तब शुरू होगा, अजाब से मुराद है कि परेशानी उसको तब शुरू होगी जब उसको कफन पहनाया जाएगा, फिर वो इल्तजाओं पर आ जाएगा। पहले तो वो बातें कर रहा था ना, फिर इल्तजाओं पर आ जाएगा, इल्तजा करेगा कि देखो अभी तुमने चलो कफन तो पहना दिया है लेकिन अभी मुझे उठाना ना, अभी रहने देना मुझे, क्योंकि वो गड़ा जो मिट्टी का है ना वो बड़ा ख़तरनाक किस्म का है। तो चीखें मारेगा और जब कब डाला जाएगा उसको जनाजे में, इमाम अली कहते हैं कि तुम अगर उसकी चीखें सुन सकते तो आसमान से सुन के फरिश्ते भी ज़मीन पर आ जाते कि अच्छा अब इल्तजा देखिए कैसा करेगा। वो इल्तजा क्या होगी, इल्तजा ये होगी कि अच्छा अगर तुमने मुझे लेकर ही जाना है तो फिर कम अज़ कम कदम आहिस्ता उठाओ,
तेज़ क्यों चल रहे हैं? ये जो तेज़ कदम चलने वाला सिलसिला है ना, ये हज़रत उमर ख़ताब ने अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को नसीहत की थी कि मेरे और कब्र के दरमियान जो है ना, अगर मैंने अल्लाह के यहाँ कबूल होना हुआ तो अपना वक्त ना ज़ाया करना मुझ पर, और अगर मैं गुनाहगार हुआ तो मुझ जैसे गुनाहगार उमर ख़ताब तुम अपने कंधों पर क्यों उठाओगे? ये तेज़ चलना जो है ये उमर की सुन्नत है। हज़रत बात सुन लीजिए, फिर वो कब्र में रख देंगे उसको, फिर उसके ऊपर सिल रख देंगे, फिर वो उन लोगों के जाने के 40 कदमों को सुनता होगा, फिर इसलिए रसूल ने कहा कि उसको फेमिलियराइज करने के लिए जो नए मेहमान आए हैं उससे सवाल जवाब पूछने के लिए, मुनकर नकीर जो आए हैं उनसे फेमिलियराइज करने के लिए वहाँ बैठे रहना। कितना बैठे रहना? जैसे हज़रत ने फरमाया एक ऊँट ज़िबा करके उसका गोश्त। हजूर इस रिवायत को अगर मैं सच जानूँ जान की मान पाते हुए तो मुर्दा कहाँ पर है? मुर्दा कहाँ है? वो तो एहसास है सारा सा। देखिए हकीकत यही है कि इंसान के जो आमाल हैं वही उसकी ज़िंदगी को बनाते और या बिगाड़ते हैं। और वो जब कब्र में जा रहा, डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि निशाने मर्द मोमिन बात गोयम जो मर गायद तबस्सुम बर लबे उस, क्या बात है, इकबाल ही कह सकता है। तो उसके चेहरे पर जो है तबस्सुम होता है और आप देखते हैं कि जो शहीद रूहें होती हैं उनका चेहरा जो है वो ऐसा नूरानी हो जाता है मरने के बाद। अच्छा ये मैं हजरत से एक बात अर्ज करूँ, अम्मा आयशा की एक रवायत है, हाय 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 हाय, मैं कहता हूँ ये हस्तियाँ ना होती ना तो हमारा तो हम तो फारिग ही थे। अम्मा कहती हैं, और ये लंबी हदीस है, इस पर जो रवायत है ना वो है कि एक सवाल ये होगा कि फरिश्ते पूछेंगे, मुनकर नकीर पूछेंगे, ये साहिब कौन है? ये रवायत दुरुस्त मानते हैं? पूछा जाएगा मुर्दे के ये साहिब कौन है? ये रवायत आप किससे पूछेंगे? मुर्दे से। ये साहिब कौन है? वो तीन सवाल होंगे। जी जी, पहला सवाल होगा मन रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है, का दीनुक दीन क्या है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह लाकर अल्फाज ये है मा तकूलु फी हक हाजर रजुल, कि इस शख्स के बारे में आप क्या जानते हैं? अब देखिए बज़ाहिर तो आसान जवाब लगते हैं, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, लेकिन वहाँ के लाल अब्दुल्ला के नूर नज़र मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन फरमाए जिसने दुनिया में अल्लाह को नाराज़ नबी की सुन्नतों को छोड़ा होगा तो उसकी जबान बंद हो जाएगी और वो कहेगा ला अदरी। अच्छा मैं नहीं, अगर हमने नबी को देखा ही नहीं होगा तो इस सवाल का जवाब हम कैसे देंगे पहचान के कि ये नबी है? देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमने इतनी सिफात पढ़ी है, अगर हम शमाइले तिर्मिजी पढ़ ले तो हमें यूं लगता है कि आका जो है वो बिल्कुल हमारे इस खौफ में नबी को कैसे पहचानेंगे? ये इस साहिब को पहचानते हैं, देखें कैसे पहचानते हैं, साहिब ईमान है और उन पर जो है वो उसने उनका कलमा पढ़ा है और उनकी सुन्नत पर अमल किया है जितना हो सका उससे, तो वो जो है देखते ही पहचान जाएगा, कहें ये तो मेरे नबी हैं। अब मेरे नबी की बात सुनो, और रावी कौन है? हजरत अबू हुरैरा है। अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला तू कब्र में क्या करेगा, और रावी कर रही हैं अम्मा आयशा और हज़रत अबू हुरैरा, इससे बड़ा कोई रावी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब वो कह रहे हैं जनाब के बार बार कह रहे हैं कि या अल्लाह तू उनके साथ क्या करेगा क्या करेगा, ये कहते हैं कि उसको पता होगा उसका रब कौन सा है लेकिन वो घबराया होगा, उसको पता होगा उसका दीन क्या है लेकिन वो घबराया होगा। अच्छा अल्लाह कहता है फिर मैं क्या करूँ? कहा अल्लाह तू मेरा चेहरा उसके सामने कर देना। अब ये अल्लाह के रसूल की दुआ है जो वहाँ कबूल होगी। अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो शख्स जो मेरा उम्मती होगा जिसने मुझे देखा ना होगा लेकिन मुझसे मोहब्बत तुम जैसी करता होगा, तो ये मोहब्बत जो है ना ये अक्से रसूल हमें शनाख्त करवाएगी। ये मेरे रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है जो हमने कब्र। तो सर अगर नबी को हमने कब्र में जाके देखना है तो यकीन करें तो कब्र में तो एक मेला लगा हुआ है फिर खुशियों का, हकीकत तो खौफ किस चीज का? इसीलिए तो कहा जन्नत का बाग हो जाएगी। देखिए अल्लामा शाह अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी, उन्होंने कहा मेरी कब्र को इतना जो है वो गहरा खोदना कि एक शख्स खड़ा हो सके। यार क्या बात है, तो लोगों ने कहा कि हाय 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 हाय, इस बात को जरा मजा लेने की समझाएं, मैं फौरन खड़े हो जाऊंगा, नबी की तस्वीर आएगी तो मैं लेटा नहीं रहूंगा।
बिलाल भाई, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं ना, वो एक आम आदमी क्या किसी की भी समझ में नहीं आएगी। सही कह रहे हैं। कब्र के अंदर की बहुत गहराई में चले गए। हाँ। अगर सच पूछे तो इंसान ही इंसान को समझ में नहीं आता कि वो किस तरीके से आता है, नापाक आता है, पाक किया जाता है, और वो जिंदगी में आके सिर्फ नापाक होता है और पाक करके डाला जाता है, पाक करके उसको भेज दिया जाता है। क्या बात है। तो हम तो इसी अमल को नहीं समझ पाए, हम अपनी जिंदगी को हम खुद नहीं समझ पाए। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जब आपकी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आता है तो क्यों आंसू आते हैं? हमारे अब्बू का जिक्र आता है, अम्मी का आता है, इतने आंसू नहीं आते। रसूल के आंसू क्यों आते हैं? सर ये जो कैफियत है ना, कैफियत, यही कैफियत कब्र के अंदर जाएगी, ये कैफियत का मामला है। ये जरूरी नहीं है कि वो पांच मरले का घर बन जाएगा तो खुला होगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर आपको एहसास आ गया, वो खिड़की खुली और आपने देख लिया आग को, अब यहाँ पे जो आपने 500 साल गुजारने हैं वो आग ही आपके पास है मुकद्दर में बस। मगर बिलाल भाई, और अगर बाग देख लिया, इस चीज को जो हम कहते हैं ना कि सब बख्श दिए जाएंगे, सब बख्श दिए जाएंगे इंशाल्लाह, नहीं मगर हम सब फिर गंद में भी तो गए में, हम कह रहे हैं नहीं, वो अपनी अपनी सजा, अपनी अपनी सजा काट के आएंगे, क्योंकि आखिरी उम्मती को भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोजख से निकाल के लाना है, और फिर वो बताएगा कि अब दोजख में उम्मती कोई नहीं है, नहीं, अपनी अपनी सजा काटेंगे। मैसेज में मैं समझता हूँ कि पहले कभी तो अमल करें ना कि कब्र का अजाब बहुत सख्त है, जब बख्शे जाओगे तब बहुत देर हो चुकी होगी, उससे पहले तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी, हमें कहीं खौफ तो दिलाए, हम तो यूं ही मुतमईन हो गए। मुझे लगता है नबी के आने के बाद दीन का खौफ है ही नहीं, हजरत उस्मान रजी दीन का खौफ है ही नहीं सारे भाई। नहीं सर, रखना चाहिए वरना हम शैतान बन जाते हैं। एक जुमला कहते हैं, देखिए आप में से जो शख्स जितना मर्जी बड़ा हो, जितना मर्जी अमीर हो, अगर उसके घर में कोई बैल दे के एक सिपाही कह देना कि हजूर सुबह जाने से पहले थाने होते जाइएगा, आपकी हाजिरी, आप रात को नहीं सोएंगे, आप रात को सिफारिशें ढूंढेंगे, आप तो एक 11 ग्रेड के थानेदार का स्ट्रेस नहीं ले सकते, आपने अल्लाह का स्ट्रेस कहाँ से लेना है? हम ले ही नहीं सकते स्ट्रेस, इसलिए रहमतुल आलमीन को रहमतुल आलमीन बना के भेजा ताकि हौसले के साथ जिंदगी और हौसले के साथ मौत गुजारे। अल ईमान बैन अल खौफ वर रजा, बैलेंस करे, बैलेंस करे ईमान उम्मीद और खौफ की दरमियान। अबू बकर का कॉल, दरमियानी कैफियत। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु से पूछा गया, जन्नत और जहन्नम के तस्करे पर आप दीदा नहीं होते, कब्र के पास इतना रोते हैं कि दाढ़ी भीग जाती है। फरमाने लगे, ये कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। आका ने फरमाया कि इसमें पार हो गए सारी मंजिलें आसान, और फिर आका ने फरमाया मैंने इससे खौफनाक मंजर नहीं देखा। दूसरी तरफ रहमत को देखे, शाह अब्दुल कादिर जेलानी रहमतुल्लाह अलैह ने 18 साल रहमत इलाही पर दर्स दिया, एक दिन अजाब इलाही पर दर्स दिया, अब उनकी जबान से बात निकले, मजमा बेहोश हो गया, चीखें निकल गई, अल्लाह ने दिल में बात डाली, ए अब्दुल कादिर मेरे बंदों को रोलाने और खौफ दिलाने की क्या जरूरत थी? फरमाया अल्लाह 18 साल रहमत इलाही पर दर्स दिया, एक दिन अजाब की बात की, फरमाया क्या 18 साल में मेरी रहमत कम हो गई? कम आए, हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। अच्छा बिलाल भाई, एक सुभान अल्लाह, ज़हन में ही लेट हो गई क्योंकि वो कब्र की जब बातें कर रहे थे, तीन सवाल उधर दोहराइएगा, क्या थे तीन सवाल? रब कौन है, दीन क्या है, और आका के बारे में क्या कहते हैं? रब कौन है, दीन क्या है, आका। अच्छा रब और उसको आका को तो छोड़ के बीच वाला जो सवाल है ना, दीन वाला, जी जी, वो मुझे बड़ा खुटका, क्योंकि जब हम रोज बैठते हैं तो यहाँ बताते हैं हमारे फिरके के यानी हमारे मुताबिक ये चीज जायज है, दूसरा कहते हैं हमारे मुताबिक ये चीज हराम है। तो हम तो हलाल और हराम के अंदर आके कल का बदला ले लिया आपने आज सवाल करके। नहीं, उधर दीन, उधर हम दीन कौन सा बताएंगे, हम वो कौन सा दीन बताना है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इसराइल में 72 फिरके थे, मेरी उम्मत में 73 फिरके। नहीं सर सर, मैं आपको हदीस दिया करता हूँ, ऐसे नहीं है कि 72 फिरके थे, अल्लाह के रसूल ने ये तंबीह के तौर पर यानी कि शर्म दिलाने के लिए कहा कि अगर उनके 72 होंगे तो तुम्हारे 73 होंगे, फिर जूती की मिसाल दी, तुम उनके साथ ऐसे बराबरी करो जैसे एक जूती के साथ दूसरी जूती आई है। तो ये उस वक्त कब्र, थोड़ा सा मैं करेक्शन करूंगा, ये हदीस इसी तरह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो फरमाया ना कि बनी इसराइल में जो बीमारियां आई थी तुम में भी वो बीमारियां आएगी, हज़वन्नाल बिन्नाल, जैसे एक जूता साइज और शेप में इक्विवेलेंसी होती है दूसरे की तरह, यहां तक कि अगर उनमें किसी ने अपनी वालिदा से एलानियतन जिना किया होगा इस उम्मत में भी पैदा होंगे। और वो जो मैं रिलेट कर रहा हूँ वो अलग है, फरमाया बनी इसराइल में 72 फिरके थे, मेरी उम्मत में 73 होंगे,
तो पूछा उसमें नाजी और निजात वाला कौन सा होगा, आपने बड़ा आसान जवाब दिया, मा अन अलैही व असहाबी, जिस तरीके पर मैं और मेरे सहाबा है। तो हम अपने ईमान को कुरान और हदीस पर देखें तो इसमें क्या कब्र के अंदर, कब्र के अंदर क्या हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह सकेंगे कि या रसूल अल्लाह मैंने वहाबी होने की हैसियत से सबसे बेहतर जो है वो वहाबीज़्म को पाया तो मेरा दीन वहाबीज़्म है, मैं कह सकता हूं? अपने आप को वहाबी नहीं कहते, क्या कहेंगे वहां पे, क्या कहेंगे आप? अपने आप को बरेलवी ना कहे, कोई अपने आप को शिया ना कहे, ये लोगों ने एक दूसरे का नाम रखा है, हम अपने आप को मुसलमान कहें और कोशिश करें कुरान से हमारी मुताबिक। हमने तो कल बड़ी कोशिश की, इन्होंने भी बड़ी कोशिश की लोग के मुसलमान के, वो कहते हैं नहीं ये बात जो है ये फतवा जो है ये हम्बली के तौर पे है, ये फलाह के तौर पे है। सवाल पे हलाल और हराम का फर्क आ जाता है तो फिर हम कैसे, तो फिर वो मुसलमान कैसे है? ये सवाल तो बड़ा वैलिड है, इसका जवाब भी बड़ा सॉलिड होना चाहिए। बिहब्लिल्लाहि जमीअ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ नहीं, वो सारे कहते हैं ना। दूसरे मौके पर कहा मैं दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, देखिए कहना अलग है करना अलग है। तो कर क्यों नहीं कर रहा? नहीं, बहुत से लोग कर भी रहे, वो बहुत से कहां हैं? सहाबा इकराम सर्टिफाइड मोमिन थे और उस दौर के मुनाफिक सर्टिफाइड मुनाफिक थे। आज हम किसी को कह सकते हैं सर्टिफाइड मोमिन और मुनाफिक नहीं कह सकते। हो सकते हैं आप अल्लाह की नजर में पक्के मोमिन हो, हम अल्लाह की नजर लेकिन वो मुनाफिकीन भी तो सिर्फ अल्लाह के रसूल को पता था ना, जो जो हजरत हुज़ैफ़ा यमानी के पास लिस्ट थी, वो भी तो डिक्लेयर्ड नहीं थे ना, चाहे उनकी मस्जिद को जलाया लेकिन वो डिक्लेयर्ड नहीं थे। सवाल ये पैदा होता है कि सवाल ये बड़ा वैलिड है, इसका जवाब मुझे लगता है कि वैलिड हुई है ही नहीं, नहीं। कि हम यहाँ पे लड़ रहे हैं चारों मसालिक के ऊपर, वहाँ जाके जवाब देना है इस्लाम, तो यहाँ इस्लाम कहाँ है? हम यहाँ पे ये मसाल रस्सी की भी देंगे, सब भी देंगे। हुआ या नहीं, इस पर एक नहीं, सवाल साहब जो आप बात कर रहे हैं इख्तलाफ की बात नहीं है। नहीं देखिए, फुरूई मसाइल में इख्तलाफ रहमत है, ये फुरूई मसाइल है कि हाथ रफ़ायदेन करना है नहीं करना है, ये फुरूई मसाइल, और फुरूई मसाइल में इख्तलाफ सहाबा के दरमियान हुआ है। लेबल और टैग लगाना जरूरी है। मैं आपको बात अर्ज करूं कि हुजूर कब्र पे रहे नहीं, एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि जो शख्स काबतुल्लाह को अपना किबला तस्वीर करता है, अल्लाह का रसूल मानता है, अल्लाह को अल्लाह मानता है, कुरान करीम को अल्लाह की आखिरी किताब मानता है, उसकी तकफीर ना करो, उसको काफिर ना कहो। अच्छा, काफिर नहीं कहने एक दूसरे को? यही तो बात है कि आपने बताई नहीं सारों को ये बात, मीडिया ने फैलाई नहीं है, गलत बात फैलाई। ये भी हमारा फर्ज है, ठीक हो गया। अब अगले तीन चार सालों बाद आपने कहना है ये मीडिया जो है ये पांचवा मिंबर है, इनका फर्ज सिर्फ गलत फैलाना। हुजूर एकदस ये फरमाइए कि एक शख्स जो है वो दुनिया में जल जाता है, कब्र में आग क्या करेगी उसको? जल गया, राख हो गया। अब ये हज़रत इमाम अबू हनीफा से किसी ने सवाल किया, हनफी जवाब है ये है? नहीं, सवाल किया। अच्छा, उसने वो हर एक से उसका सवाल था, ठीक है, जो भी वहां मौजूद थे। तो हज़रत इमाम अबू हनीफा उस वक्त ज़्यादा उनकी उम्र मुबारक नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि मैं इसका जवाब देता हूँ। उसने कहा कि साहब ये बताएं कि शैतान जो है आँख से बना है, तो शैतान को दोज़ख क्या करेगी? शैतान को दोज़ख क्या करेगी? उसको पानी में हम तो आपने क्या किया, एक मिट्टी का ढेला उठाया मारा, उसको मारा तो उसके सर पे लगा, तू भी तो मिट्टी से बने, मिट्टी से बने हो तुम भी, आदम अलैहि सलाम मिट्टी से बने थे, तो ये ढेरे से तुम जैसी तकलीफ हुई है ऐसे ही आग आग को तकलीफ देगी, आग ज्यादा होगी भी यानी के नहीं, आग आग को जो है वो जलाएगी इसी तरह से जैसे तुमको मिट्टी ने असर किया है, हालांकि हमारा तो अच्छा। यहाँ पे एक रवायत अगर लें बुखारी शरीफ की कि वो आदमी जो कि कफन चोर था, अब ये कफन चोर होना कोई छोटा मोटा जुर्म तो है कोई नहीं, अब उसने अपने बेटों से कह दिया, चार उसके बेटे थे, कि जब मुझे आना है हजरत अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जब मुझे तुमने दफन नहीं करना, मुझे तुमने जलाना है, और सिर्फ जलाना भी नहीं है, मेरी राख को तुमने ना पहाड़ों के ऊपर उड़ा देना है ताकि मेरा कहीं चक्कर ही ना हो, मैं पकड़ा ही ना जाऊं कहीं। हो गया, जिब्रील अलैहि सलाम ने अल्लाह को इत्तला फरमाई, अल्लाह ने उसकी सारी राख इकट्ठी की, उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया और पूछा, हजूर ये आपकी बात का पिछली का जवाब है, कि तूने ये सारा कुछ क्यों किया? उसने कहा अल्लाह क्योंकि मैं कफन चोर हूँ, मैं तेरे सामने किस मुँह से आता? अल्लाह ने कहा तुझे इस बात का यकीन था कि तू मेरे सामने हाजिर होगा? अल्लाह ने सिर्फ इस बात पे उसकी बख्शिश की। तो हम में से जितने मर्जी जुर्म वाले बदकार बदखलाक बदख्याल लोग हों, अल्लाह ने अगर उसको माफ़ किया तो मेरी और आपकी भी आस जो है वो बड़ी है। हमें सुकून कैसे पैदा करेंगे हम अगर इसी आसरे पर रह गए तो? सुकून कैसे पैदा करेंगे? सुकून नहीं मिलेगा ना फिर तो, हम सबको ये आसरा हो गया ना कि अल्लाह ने बख्श देना है, सब कुछ सही हो जाना है, थोड़ी बहुत सजा होगी और हो सकता है वो भी माफ़ी हो जाए,
तो ये हम ये सुकून ये ढूंढ रहे सर, क्या सिर्फ खौफ खुदा से दुनिया में अमन आएगा या कुछ और भी तरीका हो सकता है? डराना जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खौफ खुदा का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई डरने वाली चीज़ है कि जो दुनिया के मियार के हिसाब से डरावनी चीज़ होती है। ये दर हकीकत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी का खौफ है, अपनी मासीयत से। नाफरमानी ना करें मासीयत से, यानी जब जाहिर है कि मासीयत है, जैसे कि एक इंसान होता है वो चाहता है कि मेरा बॉस है वो अगर अच्छा भी है, माशाल्लाह करीम भी है, मेहरबान भी है, तो कम से कम मैं उसका ख्याल रखूँ। वो अरहमुर रहीमीन है, वो करीम सारे करीमों का खल्क करने वाला है। तो इंसान अपनी अपने किरदार और अपने नफ्स से खौफ महसूस करता है कि मैं उसकी मासियत ना करूँ, इस बात का खौफ, इस बात का खौफ बस। और क्या बात अच्छा बाकी है कि अंता अबुदुल्ला का अन्ना का तराव वम यगुन तराव फ़ैनो यराका, यानी फरमाएगा कि उसकी इबादत वैसे करो कि जैसे उसे देख रहे हो। अब अल्लाह सुबहानहू व तआला की दीदार की किसी को मंजिल हासिल हो जाए तो क्या ही कहना। ये बसारत वाला जो है ना दीदार नहीं, बसीरत वाला दीदार है। तो उसकी इबादत वैसे करो जैसे उसे देख। मसला ही हल कर दिया बसारत और बसीरत कह के। हाँ जी, मसला ही हल कर दिया। बसारत वाला नहीं, ये बसीरत वाला दीदार है। उसकी इबादत वैसे करो कि जैसे उसे देख रहे हो। फिर फरमाया कि अगर तुम उस मकाम बसीरत पर नहीं हो कि उसे देख सको, तो कम अज कम वैसे तो करो कि वो तुम्हें देख रहा है। मैं आप लूंगा वक्फा और वापस आके पूछूंगा कि हुजूर अकदस, ये जो कब्रों में से खुशबुएं आती हैं और हजारों साल के बाद भी, हजार तो नहीं, मैं कम से कम 75-80 साल की कब्र तो मैंने खुली देखी है, जब कफन मैले नहीं निकलते तो ये कौन सी रॉकेट साइंस होती है? और कब्र के अंदर ये फिजिकली कैसे हो रहा होता है? हम सोच रहे थे रूहानी होता है, लेकिन वो कफन का लट्ठा जो है वो तो कपड़ा है, 75 साल में उसको तो खत्म हो जाना चाहिए। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। मदीना तैबा के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाहे मदीना शाहे मदीना, कदमों में तेरे अर्शे बड़ी है, तुझसा जहां में कोई नहीं है, तुझसा जहां में कोई नहीं है, कांधे पे फिर भी कांधे पे फिर भी कमली शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना, मजहब है तेरा सबकी भलाई, मसलक है तेरा मुश्किल कुशाई, मसलक है तेरा मुश्किल कुशाई, देख अपनी उम्मत की, देख अपनी उम्मत की, खस्ता हाली सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाहे मदीना शाहे मदीना, तेरे लिए ही दुनिया बनी है, नीले फला की चादर तनी है, नीले फला की चादर तनी है, तू अगर ना होता, तू अगर ना होता, दुनिया शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना।
सलामत रहिए, सलामत रहिए। शाह जी आपकी तरफ आ रहा हूँ मैं, ये बात जो है ना ये तजर्बे के तौर पे आपसे शेयर कर रहा हूँ, बाकी तमाम हजरात इसमें अपनी राय डालें। एक ज़माना था कि दरियाओं का पानी पाकिस्तान में बहुत आ गया था और जेहलम का दरिया जो था उसने सारे जेहलम को डुबो दिया था, ये 90s की बात है। तो मैं जेहलम में था और वहाँ पे हमारा एक डॉक्टर था जो कि जनरल सर्जन था, सर्जन जनरल था हुकूमत का जो सरकारी डॉक्टर होता है। तो वहाँ पे आके कुछ फ़ौजियों ने कहा कि जनाब यहाँ पे रास्ते में हमने क्योंकि बंद को आगे बढ़ाना है तो दरमियान में कब्र आ रही है, तो आप कब्र कुशाई में, क्योंकि एक डॉक्टर का होना वहाँ पे नेसेसरी था बाय लॉ, मैजिस्ट्रेट और डॉक्टर जो है वो वहाँ पे खड़े हो जाए। वो कब्र की जो कुशाई है वो मेरे सामने हुई, जब उसकी मट्टी उठारी गई तो उसमें से लकड़ी के जो फट्टे थे वो निकले जो कि आजकल नहीं होते, ना वो ईंटों की गुलाई थी, लकड़ी के फट्टे थे जो निकले। और एक फट्टा जब हमने उठाया वहाँ से तो उसके नीचे से आपके अमामे से ज़्यादा चमकदार लट्ठा वहाँ पे हमें नज़र आया, तो हमने वापस रख दिया और हमने कहा कि गोरकन को बुलाते हैं ताकि गोरकन हमें ये बताए कि ये ताज़ा कब्र है तो ये किसकी है। गोरकन की उम्र तकरीबन मेरे ख्याल में 95 में कोई 106 साल थी। उस बंदे ने कहा कि जनाब ये कब्र ताज़ी नहीं है, ये तकरीबन कोई 75 साल पुरानी कब्र है। तो हमने कहा भाई किसकी कब्र है, उसने कहा जी मेरे रिश्तेदार की कब्र है। तो हमने क्या क्या करें, उन्होंने कहा जी आप बदल दें। तो हमने उस गोरकन को झूठ समझा क्योंकि वो 100 साल का बाबा हो चुका है तो उसको डिमेंशिया होगा, वो गलत उसने कहा। हमने जब उसके कफन को निकाला तो कफन में बकायदा जिस्म का वज़न था, जो वज़न होता है। अब वो जब बाहर रखा तो डॉक्टर साहब ने एकदम कहा, उसने कहा ये औरत का जनाजा है। सो अब और प्रोटोकॉल जो था वो चेंज हो गया, उसकी बकायदा नमाज जनाजा पढ़ी और उसको एक और जगह जाके रीलोकेट किया। अब इसके बाद जब सारा कुछ ये हो गया, पानी उतर गया और हम उस बाबे के पास दोबारा गए और उससे पूछा कि भाई तेरे रिश्तेदार कैसे थे, उसने कहा ये मेरी भाभी है। क्यों तुम्हें पता है कि ये भाभी है, इसका कफन क्यों ख़राब नहीं है, जिस्म क्यों ख़राब नहीं, तू कह रहा है कि ये 60 साल से। उसने कहा मेरा भाई जो था वो किसी काबिल नहीं था और मेरी भाभी, और ये बात सिर्फ मुझे बहसीत भाई पता थी, मेरी भाभी ने उसके साथ 40 साल गुजारे हैं और किसी शख्स ने मेरे भाई की तरफ उंगली नहीं उठाई। अब पता नहीं ये वाकया उसने सच बताया गलत बताया, लेकिन कब्रों के अंदर से खुशबू आम सुनी बात है, आम देखी बात है, मैंने बीसियों दफा देखी है ये कब्र, मुर्दा उतारते हुए हल्का हो जाता है, मैंने बीसियों दफा ये तजर्बा किया है, कफन मैला ना होना पता नहीं अब कहाँ तक हकीकत है। क्या अगर ये बात मेरी 1% भी सच है, 1% भी सच है, तो इसका मतलब कि एक मुतबादिल जिंदगी कब्र के अंदर चल रही होती है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है, मेरा तो दिल इस तरफ तड़प गया कि आपकी बात सुनकर एक हदीस नबवी याद आ गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें हुजूर मुकर्रम ने फरमाया है कि अगर एक खातून उसका जो शौहर है वो अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद भी जितना कमा सकता है वो कम है, तंगदस्त है, और अल्लाह की रजा की खातिर उसकी उस कम कमाई पर भी सब्र कर ले, जो आपने वाक़ सुनाया जो उससे मुशाबे है, तो अल्लाह सुबहान व तआला उसकी कब्र को ता क़यामत उरानी कर देता है। तो सिर्फ इस अमल पे, इस अमल पे अल्लाह ताला राजी हो जाता है। उस हुज़ैफ़तुल यमान रज़ी अल्लाह अन्हु उनकी कब्र सलमान पाक, ये तो पूरी दुनिया में वायरल हुई है। अच्छा किसी को अगर ना पता हो तो ये इराक के अंदर कब्रें जो थी दो सहाबियों की निकाली गई और इन सहाबियों की आंखें जो थी वो इस तरह से थी जैसे अभी नींद में है, थोड़े से आंखें पूरी बंद नहीं हुई थी, चमकदार। कितने कितने साल हो गए थे शाह साहब, तकरीबन 1400 साल नहीं 1300 साल 1300 साल जी, क्योंकि तो आपकी उम्र हुज़ैफ़ा की 94-96 ईयर्स थी, तो इतने सालों बाद भी जिस्म के ऊपर मट्टी ने असर नहीं किया, तो ये कहते हुए कि पानी आ रहा है हमें यहाँ से हटाओ, और वो नहीं मानते थे। फिर दोबारा आए, फिर तीसरी दफा हज के बाद उसको रखा गया कि पूरी दुनिया से मुसलमान, और पाकिस्तान से एक खातून भी गई थी और पाकिस्तान से उलमा इकराम का भी एक ग्रुप है। जी बिल्कुल, वहाँ तस्वीर भी अब तक है, वहाँ मैं कुछ जगह जा चुका हूँ, मैंने कुछ जगह की ज़ियारत की। अच्छा फिर ये मानते हुए इस बात में मैं एक एडिशन कर लूँ कि अल्लाह करीम हर चीज पर कादिर है। उज़ैर अलैहिस्सलाम पर 100 साल के लिए मौत को तारी किया और उसके बाद जब जिंदा किया तो उनका जो गधा था जो जिंदा रह सकता है पॉसिबिलिटी थी उसके रेजा रेजा हड्डियां हो गई थी, खाना जो जल्दी खराब होने वाली चीज थी लम यतसन्ना वो ताजा था। तो अल्लाह इस बात पर कादिर है कि 1000 साल बाद भी किसी की बॉडी को सही सालिम रखे और किसी को खराब। मैंने कब्रें कई दफा अजीजों की बनवाई हैं और वो जब कब्रें खोलते हैं तो उनमें से भपके समझते हैं आप,
मतलब हवा आती है तेज खुशबू की। हजूर मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अगर कब्र के अंदर एक पैरेलल लाइफ है तो कब्र क्या जिंदा कहा जा सकता है? कब्र जिंदा होती है? रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना व हुफ्रतुम मिन हुफरिन नार, या जन्नत के बागों में से एक बाग होती है, जहन्नम के गड़ों में से गड़ा होती है। तो बहरहाल इंसान की जो बरज़खी जिंदगी उसका आगाज हो जाता है, जो कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत है ना, इसमें एक बड़ा लतीफ़ पैगाम पोशीदा है। जब हम कहते हैं ना कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, इसका मतलब क्या है? क्या मौत से वो फना हो गया? ना, अभी आप सहरी खाएंगे और सहरी को चखेंगे, सहरी को जब चखेंगे आप यानी खाएंगे तो आप खत्म होंगे या सहरी खत्म होगी? क्या बात, सहरी खत्म हो जाएगी ना। कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, जब आपने मौत का जायका चख लिया, मौत खत्म, अब हमेशा की हयात जावेदानी है। अब बात समझे, खालिदीन फीहा, नहीं तवज्जो की यार, बड़ी मजेदार बात की, जबरदस्त बात की उन्होंने, क्या बात है जी। तो खालिदीन फीहा बता, और कुरान ने इस पे आयत पेश की, दलील दी है कि अब हमेशा की इसे हयात है, अब इस पर अदम है ही नहीं, अब कोई मौत नहीं, उसकी उसकी सूरतें मुख्तलिफ बदलती रहेंगी। अच्छा, अब हम यहाँ पर है ना, बरजक की जिंदगी हमें सब किसी ने तो देखी तो नहीं है, उसके बाद की बात को कहते हैं बरजक, कब्र और बरजक उसे कहते हैं कि कब्र से लेकर कयामत तक की जो मंजिल होगी वो बरजक, और ये किसी को पता नहीं है कहां पर है, कैसी नहीं, है नहीं मालूम है, जाहिर है कि हमारे मुशाहदे में तो नहीं आई है, तो हमारी पता है इस वक्त कैफियत क्या है बरजक के मुकाबले में। जैसे आप शिकम मादर में एक बच्चा हो ना, उसे समझाना चाहे दुनिया कैसी है, नहीं समझा सकते ना। उससे अगर आप ये बताएंगे कि बेटा दुनिया में जितना भी तुम्हारी माँ के शिकम में पानी है ना, तो बहुत ज्यादा पानी होता है, समंदर बड़े बड़े होते हैं, वो कितना समझ लेगा, क्या समझ लेगा, दुनिया में बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें होती हैं, क्या समझ, इसलिए कि अभी वो महदूद है। जो बच्चे की कैफियत दुनिया के बारे में होती है, वही हमारी कैफियत बरजक के बारे में, हम फकत एक खाका थोड़ा सा सोच सकते हैं। इसलिए जी, इसलिए जनाब अमीर ने फरमाया है कि जन्नत की जो नेमतें हैं ना, हर नेमत को देखना, उसका मुशाहिदा उसको सुनने से ज्यादा अजीम होगा। अभी हमने सुन रखा है जन्नत में नहर है, हम अपने कयास से सोच रहे हैं कि जन्नत, जल्दी से फरमा दीजिए, क्या कब्र को कच्चा या पक्का बनाना कोई मजहबी या मसलकी मसला होता है, या जैसी कब्र मिल जाए जलते भी हैं डूबते भी हैं, कब्रें नसीब नहीं भी होती, होती भी हैं, इनमें कोई पाबंदी है? नहीं, इसमें है बिल्कुल, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि बहुत ज़्यादा जो है वो कब्रों को पुख्ता न करो, और उस पर जो है वो दरमियान में कम से कम जो है वो मट्टी जो है निशानी बना दो, रहनी चाहिए अंदर से, अंदर से इमाम बुखारी अंदर से कैसी होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो करीब का इलाका है बुखारा, बुखारे में हजरत इमाम बुखारी की जो सही बुखारी जिन्होंने जो है वो तस्वीर फरमाई, वो उनकी कब्र है वहाँ। मौलाना कौशल नियाजी का यह बयान है कि मैं जब गया तो मुझे ऐसी खुशबू वहाँ से जो है वो आई कि मैं उसको जो है वो इमेजिन नहीं कर सकता। कब्र अंदर से कैसी होनी चाहिए, कच्ची या पक्की, या कच्ची पक्की? नहीं, कच्ची होनी चाहिए, कच्ची होनी चाहिए। दो सूरतें हैं, ईंटों की भी नहीं होनी चाहिए, लहद है जो अंदर खुदाई करके राइट हैंड पे किया जाए, और एक बिल्कुल सीधी हो, लेकिन अगर कहीं पर पानी आने का खतरा हो, डैमेज होने का खतरा हो, फिर अंदर से मजबूरन पक्की की जा सकती है, और ऊपर से कब्र को बगैर जरूरत के पुख्ता करना और उसको इमारत की शक्ल देना या उसको मुख्तलिफ तरीके पर मुजयन करना, रोजा नहीं बनाना चाहिए, मजार नहीं बनाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मजार नहीं बनाना चाहिए। कब्रें जो हमने जन्नतुल बकी में देखी, जन्नतुल मौला में देखी, सहाबा इकराम की जो सिफात है वो यही है, उसके करीब आप मस्जिद बना दें यादगार के तौर पर। आपको अंदाजा है कि अभी इन लोगों का आपस में मुआहिदा हो गया जन्नतुल बकी में पक्की कब्रें बनाएंगे? देखिए, उनका मुआहिदा अलग चीज है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ह हदीस है कि आपने फरमाया कब्रों को पुख्ता भी ना बनाओ, और ला तत्तखिज़ुल कुबूर मसाजिद। अच्छा, बात अर्ज करूं कि मैं 1989 में 89 में पाकिस्तान हज मेडिकल मिशन, अजान का टाइम है, जा नहीं सकता आगे, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आ जाओ। जब मौज पे आई वो लहरें,
कतरे को समंदर कर डाला, जब मौज पे आई वो लहरें कतरे को समंदर कर डाला। इस जहां में भरम हो गया, इस जहां में भरम हो गया, इस जहां में भरम हो गया, जिसको दुनिया 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 ने जिसको दुनिया ने भेजा सताया, जिसको दुनिया ने भेजा सताया, वो बिलाल जी हसन हो गया, वे वो बिलाल जी हसन हो गया, वो बिलाल जी हसन हो गया, पलजतन की झुकर ले गुलामी, पलजतन की झुकर ले गुलामी, सारी दुनिया उसे दे सलामी, सारी दुनिया उसे दे सलामी, सलामी सारी दुनिया उसे, पलजतन की झुकर ले गुलामी, सारी दुनिया उसे दे सलामी, हाँ सारी दुनिया उसे दे सलामी। वो बड़ा मोहतरम हो गया, वो बड़ा मोहतरम हो गया, वो बड़ा मोहतरम हो गया, हरी मक्तब उसका नाम का, जो बज़ाहिर थे दुनिया में प्यासे, जो बज़ाहिर थे दुनिया में प्यासे, वो है अहमद नबी के नवासे।
ऊंचा उनका आलम हो गया, ऊंचा उनका आलम हो गया, वो मेरे सरकार का करम हो गया, मेरे सरकार का करम। वाह जी वाह, सरकार का करम हो गया। गुफ्तगू हमारी जो थी वो अजाब कब्र पे है। हमारे उलमा कराम सारे तशरीफ ले आए हैं, इनसे बात करते हैं वापस आके। एक बात जहन में रखिएगा कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मज़हब से बढ़ के कल्चरल होती हैं। मिसाल के तौर पे मैंने ये कब्रें जो हैं ये इंग्लैंड में और अमेरिका में बजाते खुद देखी हैं, वो कब्रों को कच्चा रख ही नहीं सकते, ना वहाँ पर कानून, चाहे वो मुसलमानों का कब्रस्तान हो वो नहीं रख सकते। सो उनको दीवारें पक्की और फ़र्श पक्का करना पड़ता है। तो इसमें एक बहुत अच्छा काम जो है वो जुडेनियंस ने किया है, और उन नौजवानों ने मुकदमा लड़ा और एक बात की कि जो कब्र पक्की फ़र्श बनता है उसमें से फिर दरमियान में से एक फुट जगह जो है, 1 फुट बाय 1 फुट जगह जो है वो कच्ची छोड़ दी जाती है, ताकि एक नस्बत जो है वो मिट्टी के साथ मुर्दे की ज़रूर रहे। कल्चरल डोमेन्स के ऊपर और इन मामलों के ऊपर अपने उलमा इकराम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सहरी ठीक थी? अल्लाह हज़ूर, ये बताइए कि डब्बे में डाल के दफन करना जो है ये ज़रूरत के तहत है या किया जा सकता है? ये ज़रूरत के तहत है, इसलिए कि ये आखिरत के सफ़र पे जा रहा है, तो जितनी सादगी हो और जो सुन्नत से साबित है कि इसको सिर्फ कफन में, इसकी टोपी घड़ी जूते सारी चीज़ें जो लवाजिमात और अवारिजात हाँ? वो हटा दिए जाते हैं। अगर डब्बे में दफन कर दिया जाए तो रिकमेंडेड तो नहीं है लेकिन जायज़ है फिर भी। लेकिन खातून के लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है कि डब्बे में डाले? खातून के लिए ये बेहतर है कि उसे लाया जाए उस ताबूत के अंदर, ताकि उसका कद्दो कामत वाज़ेह ना हो। ये बीबी फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा की वसीयत है, तो फिर कद्दो कामत ज़ाहिर होगा, फिर जब कद्दो कामत, इसलिए तो महरम फिर रात वाला आपका सिलसिला जो है उसको बरकरार रखें कि उसको दफन ही रात को किया जाए। वो तो बीबी फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा की वसीयत थी कि मेरे जनाजे को रात में उठाइएगा और रात में ही गुस्ल व कफन दीजिएगा, और ताकि वो कद्दो कामत भी ताबूत के हवाले से वो वाज़ेह ना होने पाए। और रात को दफन करने की तो खैर और भी मसले हैं। अच्छा, इस पे सैयदा आयशा की बकायदा रवायत है जो कि हाँ, मैंने पढ़ी है, आपको आके बताया कि हबशा से वो लाते थे इस तरह, तो आपने फरमाया कि ये ज़रूर किया करो, तो अब ये ऑप्शनल तो नहीं रहेगी? अल्लाह के रसूल ने इसको ममानियत फरमाई नहीं है? उन्होंने कहा ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अरब्स में नहीं थी ये बात, आई हबशा से, तो अडोप्ट कर लेना चाहिए, उससे सहूलत रहती है जाने वाले की। लाने की हद तक के कब्र के अंदर रखने की बात नहीं है, और वो भी उसके लिए जैसे हजरत ने कहा कि वो पर्दा हो, नहीं हुजूर ने इसका हुक्म भी नहीं दिया, जो फरमा रहे हैं कि ये हदीस मैंने खुद पढ़ी है। नहीं नहीं हजरत, देखिए वो लाना अलग चीज है, लाना अलग चीज है कब्र तक जैसे हजरत ने कहा, लेकिन कब्र में उस ताबूत को रखने का आपने कहा वो ऐसी बात नहीं है, ये जायज नहीं होगा। देखिए जायज होगा, बेहतर नहीं होगा, बेहतर नहीं होगा। यूं कहिए, यूं कहिए, ठीक हो गया हुजूर। एक दस कब्र के अंदर बंदा चला गया, लेकिन कितनी मुसीबत की बात है। अभी आप सहरी करके आए और अब हम बातें कर रहे हैं हम कब्र की। हाँ, कब्र के अंदर कोई कलमा लिखता है? मैंने तो खैर बड़ी बड़ी आला आला नस्ल की चीज़ें देखी हैं लिखी हुई, कोई कफन पे लिखता है, कोई सिल के ऊपर लिखता है, ये कहाँ तक जायज़ या नाजायज़ है, या इससे कोई फ़ायदा होता है? देखिए असल में हर एक का अपना अपना अकीदा है, अकीदा है और तरीक़ाकार है। ठीक, तो उसमें बाज़ लोग ये करते हैं कि सामने उसके कोई ताक बना लेते हैं, जैसे बगली कब्र होती है वो तो पूरी जिस्म ही वहाँ चला जाता है, लेकिन ताक बना लेते हैं, उसमें कोई चीज़ जो है वो लिखी हुई अहदनामा या और कागज़ कभी कभी को पकड़ा देते हैं, वो कागज़ तो पकड़ा तो नहीं सकते उनको, लेकिन वो रख सकते हैं, रख सकते हैं, रखते हैं, मतलब मैंने कहा अच्छा, रख सकते हैं कि नहीं उसमें कोई तो अगर उमर खताब का बड़ा मशहूर वाक्या है ना, उन्होंने कहा कि ये या तू मेरे से बख्शा गया तो इसी पे बख्शा जाऊंगा। बस देखिए वो जो है मोहब्बत में तो कर सकते हैं, मोहब्बत में कर सकते हैं, क्योंकि हजरत इमाम हसन जो है वो तशरीफ लाए और आने के बाद जो है वो एक दो मरतबा के बाद मुलाकात हुई, कहने लगे साहब आप इतने अरसा हो गया आपसे मुलाकात, कहने लगे साहब मैं दो मरतबा आया था, अब्दुल्ला इब्ने उमर भी जो है वो बाहर तो थे, उनको नहीं मिले, तो मैं कह लेंगे अब्दुल्ला इब्ने उमर और हैं तुम और हो, हाँ तो उसके बाद जो है वो एक मरतबा ये हुआ कि कोई तकरार हो गई हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से, तो उन्होंने कहा कि कभी तुम हम ये मेंबर जो है हमारे नाना जान का है और ये तुम हमारे नाना के गुलाम हो, तुम्हारे वालिद भी नाना के गुलाम है। अच्छा, कहा भी सही, कहा तो बिल्कुल सही, बच्चा गुस्से में आ गया, उन्होंने जाकर कहा शिकायत की अब्दुल्ला इब्न उमर ने, कहने लगे साहब ये इस तरह से कहा है, कहा कि उनसे कहो ये लिख कर देने मुझे, जब वो गए लिखवाने के लिए तो उन्होंने कहा कि हम जो बात कहते हैं वो लिख भी देते हैं, उन्होंने लिख कर दे दिया
हज़रत उमर ने वसीयत फरमाई कि ये कागज़ जो है मेरे साथ जो है वो मेरे कफन में जो है साथ जाएगा, क्योंकि जब फरिश्ते आएंगे तो मैं उनको बता सकूंगा ये सनद। अच्छा, क्या जुमला है हज़रत उमर ख़त्ताब का, कहते हैं मैं बराबर ही छूट जाऊँ तो बड़ी बात है। बादशाह तवाफ कर रहा है, धक्के लग गए, इतने में ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह ले आए, लोगों ने रास्ता छोड़ दिया, लोगों ने पूछा ये कौन है जिनके लिए रास्ता खाली किया जा रहा है। उन्होंने जानबूझ के तजावुल आरिफाना से काम लिया, मैं नहीं जानता, फरजदुख शायर था, कहा ये तो वो ज़ात है जिनको हिल और हरम वाले सब जानते हैं। तो उन्होंने जब उनको 10,000 दीनार या दिरहम इनाम में दिए, उन्होंने कहा सारी ज़िंदगी पैसे लेकर बादशाहों के कसीदे पढ़े हैं या नस्बतें और आले रसूल की बरकत से मैंने पढ़े हैं, इनाम नहीं लूँगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे सैयद घराने से जो चीज़ निकलती है हम वापस नहीं लेते। तईद खुदावंद अहद मांगते हैं, हाँ। शब्बीर के बचपन से मदद मांगते हैं, देखा जो इमामत को माइल ब करम है, फारूक गुलामी की सनद मांगते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर एकदस ये जो खाके शफा है इसके साथ या अहदनामा या 40 लोगों की गवाही, ये दफन करना मसलक की कोई मसला है या अपना ईमानी है या क्या है? नहीं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसकी मुमानियत नहीं की गई, लेकिन जाहिर है कि इंसान के किरदार पर सबसे पहले डिपेंड करता है। तो इसका मतलब वो जो कफन जमजम से धोके ले आते हैं उससे कोई फायदा नहीं होता? नहीं, किसने का फायदा नहीं होता। अच्छा। यकीनन उसका कोई ना कोई नूर हासिल होता होगा, लेकिन सबसे बुनियादी बात तो ये है ना कि उसका अकीदा सही है, उसका अमल सही है, हुकूक उल इबाद में सही था। मिसाल के तौर पर कितनी ही रवायात ऐसी हैं कि अगर कोई अपनी जौजा के साथ बदअखलाकी करता तो फिशार कब्र में मुबतला होगा। तो अब अगर वो कुछ लिखवा के लेकर आया है तो जौजा के साथ जो बदअखलाकी की उसका तो हिसाब किताब उसे देना पड़ेगा। तो ये तो वो चीज़ें होती हैं कि जो मजीद बर मतलब होती हैं, यानी एक बात वो जो कुछ अजर लेकर आए, कुछ सवाब लेकर आए, इंशाअल्लाह अल्लाह सुबहानहु व तआला उसकी कब्र में और नूर अता फरमाए, इस खातिर तबरुकन रख दिया जाता है। अच्छा, वरना अमल के साथ मट्टी रख दी जाए, करबला की मट्टी रख इंशाअल्लाह, ठीक है, तो बरकत तो है ना, बेशक बरकत है, क्यों नहीं। तो अगर वो सारी जिंदगी का जो तसलसल हम कह रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जिंदगी का तसलसल मुंतकली हुई, इंतकाल जो है वो, तो जाहिर है फिर बरकत तो खत्म नहीं होती ना। नहीं, क्यों खत्म होगी? इसलिए कि अल्लाह सुभान व तआला नूरु समावात वल अर्ज, अल्लाह जमीन व आसमान का नूर है, जहां कहीं चले जाइए तो वो नूर तो है। और उसमें देखिये दो बातें, अल्लाह सुबहान व तआला की जानिब से नूर हर जगह है, मुझ में भी लियाकत और ज़र्फियत हो कि उस नूर को हासिल कर सकूं, ये दो बातें। एक जगह यह है कि वो करंट तो आ रहा है, लेकिन करंट के साथ उसमें कोई लियाकत और ज़र्फियत भी होगा कि वो बल्ब जल सके। अब वो बल्ब जलने के काबिल ही नहीं है तो फिर कितना ही करंट आता रहे। तो अपने अंदर इस्तेदाद तो कोई इंसान लेकर जाए, उसके बाद इंशाअल्लाह अल्लाह सुबहान व तआला फरमाए। हुजूर, ये जो कब्र में जब दफन कर दिया और ऊपर पत्थर रख दिए, इसके बाद कब्र वाले के साथ क्या होता है फौरी तौर पर या कुछ देर? फौरी तौर पर मुनकर नकीर आते हैं उसी वक्त और सवालात पूछे। अच्छा, जाते ये जो कहते हैं कब्र को इतना रखें कि वो बैठ जाए, तो वाकई फिजिकली बैठता और मौजूदा है सवाल जवाब के लिए? हाँ बिल्कुल, उसको बैठाया जाता है, हदीस के अंदर ये अल्फाज आते हैं, उसको बैठाकर और उसकी जो है वो टेक लगाकर उससे सवालात पूछे जाते हैं और फिर उसके बाद उसको कुशादा किया जाता है, जिसको नहीं किया जाता इमेजिनरी या फिजिकली। तो ये सारी चीजें साबित है। अब तो घबरा के ये कहते हैं मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे, किधर जाएंगे? जाहिर सी बात है, या जन्नत में या जहन्नम है कि रियाज खैरावादी कहते हैं कि चैन मरकर तहे जमी भी नहीं, अब ठिकाना मेरा कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। क्या बात है, क्या खूबसूरत बात है। जी सवाल है जो शुरू से कभी मौका नहीं मिला, आज मौका इसलिए और कब्र का ही प्रोग्राम है। एक तो ये जो मैं सवाल कर रहा हूँ उससे तो ये लगता है वाकई कब्र में कुछ ना कुछ तो है, हमें उस पर यकीन रखना पड़ेगा। दुनिया बात है भाई, मैं वही कह रहा हूँ, मेरा बहनोई है, उसने मुझे एक बार कहा था कि सारे जब इंसान मर जाता है और कहीं रास्ते में है और उसको अमानतन दफना दो तो कितने ही अरसे बाद क्यों ना निकालो, वो बॉडी वैसे के वैसे ही निकलती है। अब इसकी हकीकत क्या है मैं नहीं जानता, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन सबको पता हो अगर मेरी तरह किसी ने सुना है और हकीकत नहीं है तो उसके भी इल्म में होना चाहिए। तो इसमें क्या हकीकत ये है? अच्छा, इस बात को इसमें अमानतन अगर दफनाया तो वो खराब तो नहीं होती, मिट्टी भी जो है वो अमानत को जो है। अच्छा हुजूर, हदीस ये भी कह रही है कि वो 40 कदम जाने के सुन रहा होगा, वो जो फरिश्ते आते हैं उनकी बात भी सुनता है, तो फिर जो बाहर फातह पढ़ने आता है उसकी बात भी सुनता है। जी बिल्कुल, अगर अल्लाह पाक सुनवाना चाहे तो सुनते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के जो मुशरिकीन मारे गए थे उन्हें गिराने के बाद बाकायदा आपने कहा था कि भाई जो तुमसे कहा गया था आज तुम वो चीज़ महसूस कर रहे हो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से साबित होता है अल्लाह चाहे मतलब तो वो सिर्फ जवाब नहीं दे सकते। जी जी, हज़रत उमर ने पूछा कागज से कि ये या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये क्या ये आपकी बात को समाप्त कर रहे हैं, कहा तुमसे ज्यादा समाप्त कर रहे हैं। इसका मतलब फर्ज कीजिए, जी मैं एक मिसाल देता हूँ, जैसे कि हम फातिहा पढ़ते हैं तो बाज़ आइडियोलॉजी से जिनका ख्याल है कि क्या ज़रूरत है नहीं पहुँच रहा,
तो एक मरतबा एक तकरार हुई तो उन्होंने फ़कत समझाने की खातिर, ये नहीं कि हकीकत में, समझाने की खातिर उन्होंने कहा कि अगर फातिहा नहीं पहुंच रहा तो आपके बाप पे लानत हो, तो बड़े गजबनाक हो गए। कहा अच्छा लानत पहुंच जाती है, फातिहा नहीं पहुंचता, ये क्या बात। तो मेरे भाई बात समझ में आ रही, लानत देने पे तो बड़ा बुरा लगता है। हमारी आवाज सामने को पहुंच रही है लेकिन वो हमसे बात नहीं कर सकते इस वक्त कैमरे तो जब हम अगर किसी को बुरा कहते हैं किसी के मुर्दे को तो बड़ी तकलीफ होती है। अच्छा तो बाकायदा इस पे हदीसें हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे पे खड़े होकर कहा कि दो लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं तो ये जन्नती है, दो लोग कर रहे हैं तो ये जन्नती है। किताब अल मुस्लिम की हदीस है कि किन लोगों का जनाजा नहीं पढ़ा जा सकता। बाबुल जनाइज में हदीस मौजूद है कि लक्किनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, अपने मुर्दों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। अब वो समझ ही नहीं रहा, सुन ही नहीं रहा, तो तलकीन करने का मकसद लोगों का जनाजा नहीं पढ़ना काफिरों का, और जो जाहिर में मुसलमान था, जो उधार लेकर गया, नहीं नहीं, जो जाहिर में मुसलमान था पढ़ सकते हैं, जो जाहिर में मुसलमान था, अब उसका किरदार जो था, हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम उसका जनाजा पढ़ेंगे, उसके बाद उसका सिलसिला अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ है। अच्छा, इसमें हुक्म ये कि काफिर का मुर्तद का जनाजा नहीं पढ़ेंगे, बाकी अगर एक आदमी खुदकुशी करता है उसका जनाजा पढ़ा जाएगा, लेकिन जो अहले में वो जनाजा न पढ़े ताकि लोगों को इबरत हो किसने खुदकुशी की है जी, और ये बड़ा गुनाह है। लेकिन बहरहाल खुदकुशी करने वाले को भी बगैर जनाजे के दफन नहीं किया जाएगा, वैसे भी ये शरण जायज नहीं। वो तो मैंने अर्ज कर दिया, जनाजा पढ़ा जाएगा, अहले इल्म और मुक्तदा लोग जनाजा न पढ़े ताकि लोगों को इबरत हो, क्योंकि वो हालत है भाई, वो खुदकुशी हराम थी, अल्लाह की अमानत में उसने खयानत की, लोग डर जाए आइंदा ये अमल न करे। आप क्या फरमा रहे? सही है, बिल्कुल ठीक है। अब आपको एक हदीयत अन्नात पेश की जाए, जनाजे प्लीज। حبیب رب العالمین محمد شفیع روز جزا محمد حبیب رب حبیب رب العالمین محمد شفیع روز جزا محمد نگاہ کا مدعا محمد خیال کا آسرا محمد درود بھیجا ہے خود خدا نے جانے کہیں وہ محبوب کبریا تھے اور کہیں لقب ان کا تھا محمد یہی ہے زخم جگر کا مرہم یہی ہے زخم جگر مرحوم اور انہی کا ہے اسم اعظم قرار بے تابیوں کو آیا زبان سے جب کہہ دیا محمد اسی تمنا میں جی رہا ہوں تمنا میں جی رہا کہ جا کے روزے کی جالی